धीरज जी। जी नमस्कार। हम धीरज चौधरी एंटा के जनरल सेक्रेटरी। आज के हमने के प्रोग्राम मिथिला आर्ट्स डिस्कशन एंड लर्निंग्स नेपाल के पॉपुलर रिनाउंड आर्टिस्ट मिसेज सुनैना ठाकुर जी से भेजा रहल छे। सुनैना जी के परिचय बहुत लंबा छे, तन वो आर्ट्स सेक्टर में बहुत लंबा समय से लागल छे। तन उनकर हमरा लंग परिचय से उनकर नेशनल फाइन आर्ट्स अवार्ड विनर्स भेल रहलन, त उनकरा बधाइयो छे। शायद हमरा पहिलका बेर जानकारी भेल रहल छे। एकरा अलावा उनकर नेशनल और इंटरनेशनल डायस्पोरा में बहुत सोलो एग्जीबिशन एज वेल एज ग्रुप एग्जीबिशन भी भेल छे। तो उनकर फॉर्मल फॉर्मल उनकर इंट्रोडक्शन और प्रोग्राम के फॉर्मली रूप से शुरू करे से के लेल हमें एंटा के प्रेसिडेंट मिसेज अपराजिता झा जी से अनुरोध करम कि अपने उनकर परिचय सहित आज के प्रोग्राम शुरू करल जा। धन्यवाद धीरज जी, एंटा के जनरल सेक्रेटरी के हृदय से बहुत बहुत आभार। और आज के वर्चुअल इवेंट में अहां सब जतेक लोग जुटल छी हुनकर हम हार्दिक अभिनंदन करब। ई वर्चुअल प्लेटफॉर्म के युग छे, एमे एंटा अनवरत कोविड के समय में से लागल ये एके एई पड़ाव पर छी जेमे आर्ट के इवेंट हम सब राखलों हैं। एंटा के लगाव या ओकर इन्वेस्टमेंट मिथिला आर्ट के प्रिजर्वेशन और ओकर ओकर फ्यूचर में आर कतेक नीक से नीक होए, ओय में हम सब 2018 से मुख्यतः लागल छी। और ओही कड़ी में आय के प्रोग्राम के हमर सब के चीफ आर्टिस्ट मास्टर आर्टिस्ट मिसेज सुनैना ठाकुर छथिन। मिसेज सुनैना ठाकुर हमर सब के ए कड़ी के तेसर आर्टिस्ट छथिन। ऐसे पहिने एससी सुमन जी मिथिला दीदी आयल छलखिन, आय सुनैना जी छथिन। सुनैना जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं छथिन, जे नेपाल से जुड़ल छथि, जे अमेरिका में रह वाला मधेसी या पहाड़ के या कोनो हिस्सा के छथि। अगर मिथिला मधुबनी पेंटिंग मिथिला आर्ट के नाम अबै छै तो ओकर बहुत उदयमान आर्टिस्ट या एक बहुत अहाँ के एकर कहबे कि ध्रुव तारा सुनैना जी छथिन। महिला के चेहरा छथिन आई के डेट में नेपाल से, एक पर एक आर्टिस्ट के जे जखन नाम अबै छै ओमे सुनैना जी के नाम बहुत अहाँ के नीक काज के लेल जानल जाइए। तो सुनैना जी से हमर प्रथम परिचय एंटा के प्रोग्राम में 2018 में एग्जीबिशन एंड एक्सपोजिशन प्रोग्राम में एज एन आर्टिस्ट भेल छले। बहुत तल्लीन भ के हिनकर आर्ट भेल छलन, ई अवार्ड विनर छलखिन अहाँ के नेशनल फाइन आर्ट अवार्ड विनर छथिन। हिनकर सोलो एग्जीबिशन के हम बहुत ध्यान से जे जापान में केलखिन, चूँकि हम जापान में रहल छी तो हम बहुत ध्यान से देखलिए। वो बहुत प्रतिष्ठा के बात छे जापान में अपन सोलो प्रदर्शनी केनाए। तो सुनैना जी अहाँ के हमर सब के प्रोग्राम में मास्टर सीरीज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत ये। हम सब अभिभूत छी अहाँ के उपस्थिति से। आर अपन विषय में अहाँ अपने बजबे, लेकिन संपूर्ण एंटा एग्जीक्यूटिव कमिटी एंटा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स सबके तरफ से अहाँ के बहुत बहुत अभिनंदन, अहाँ के बहुत धन्यवाद। ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अहाँ के कार्यक्रम अहीं के मार्फत अहीं के मुँह से आए हम सब सुनब सीखब। वेलकम टू द प्रोग्राम सुनैना जी। थैंक यू। सबसे पहले तो अर्पिता दी हम अहाँ के बहुते बहुते थैंक यू कह चाहे छी। आ जे आई ई प्लेटफॉर्म दिलखिन हुनका एंटा परिवार के संपूर्ण टीम के हमरा तरफ से हृदय से हम धन्यवाद देव। और जत्ते हमर आर्टिस्ट साथी सब और आई पेज द्वारा फेसबुक द्वारा जत्ते हमर दीदी बहन सब हमर भाई सब हमरा से बड़ हमरा से छोट जत्ते देखे छथिन उनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद हम देव। आ उनका सबके छोट के बहुत रात माया स्नेह आ जेठ के हम प्रणाम करे छे। हमर नाम भेल सुनैना ठाकुर।
और हम सुनेना ठाकुर में मिथिला चित्रकार जोड़ दी छी, क्या कि हम चित्रकार छी ते दुआरे घर भेल मोहतरी जिला जलेश्वर नगर पालिका 4 सुगा में। हम सुगा गांव में रह कर काज करे छी और हमार काज करे के प्लेस है जनकपुर जानकी मंदिर में, हमार 8 गैलरी है और हम एमे लगभग ओना तो विद्यार्थी जीवन से मिथिला आर्ट कह के तो नहीं ड्राइंग कह के हम किछ किछ बनबै छलिए। बड़ा बच्चे से हमरा इंटरेस्ट अ क्षेत्र में ड्राइंग में, जना जे सर ब्लैक बोर्ड पर मैथ पढ़बै छलखिन ना, हम कॉपी में चित्र बनबै छलिए, तेहन हमार रुचि बच्चे से। पर मिथिले आर्ट कह के अपन नेशनल इंटरनेशनल जना जे हमार पेंटिंग सेलिंग से लक चीन जान से लक ई अपने के 2004 से हमार प्रयास रेगुलर है। शायद हम अपन जीवन पूरा सोई पर देने छी अही प्रति आटे प्रति। खास कर के अः दौरान में जे एकटा अपन महिला महिला भेला के नाता से सेहो भ सकैय, या हम एकटा मधेसी समुदाय से दोसर में तराई से भेला के कारण से जे अपना सबके समाज में जे एकटा घटना सब जे घटैत अबैत देखैत एली, तो हमरा अ तरफ विशेष एकटा मोर जे खिचत याल कि नहीं हम किछ करी महिला दीदी बहिन सबके लक। तै दुआरे हमर ई प्रयास एकदम हम लगभग अपने सबके बता दी, हमरा ओना शादी भेला के बाद हमर हस्बैंड स्कूल खोलने छथि, हम टीचिंग सेहो केने छी लगभग 2012 तक ला हम टीचिंग सेहो केनु जे आर्ट आ टीचिंग दुनू जोड़ के मतलब हम करै छलिए। तकर बाद में 12 के बाद जब जे हम एनपी से अवार्ड पेला के बाद में हमरा में एक दोसर एकटा होबे के चाही कि नहीं, हम संपूर्ण एकटा जे टाइम छे हमर उ सब हम आटे में दी, तेना कह के हमरा में आयल। तकर बाद में रेगुलर रूप से हम पूरा टाइम आर्ट में देवे लगलौ। ओकर बाद में अपने के काम करत गेली, तकर बाद में अहाँ के 2016 में लगभग 12 के बीच में हम जे एकटा INGO से जुड़ के सेहो अहाँ के वोमेन एम्पावरमेंट संबंधी तालीम हम लेने रही 2003 में। तै टाइम में हमरा जे कनेक लिंक रहे अमेरिका के दीदी बहिन सब से और जते उतर के जे INGO मार्फत जते आदमी आवे एठम विजिट करे, तो उ कतौ ने कतौ सुनेना आर्ट बनबै छै से कहि के हमरा घर तक ला आवे, तो एकटा की मनोबल हमरा बढ़त गेल कि नहीं हमर आर्ट जे बिक्री होइए। ओहि टाइम में जे और प्रोत्साहन मिलत गेल हमरा, तो एहने कह के उ सब एक बेर प्रस्ताव रखल कि सुने ना अहाँ जे चीज करै छी काज आ जे भोगै छी उ कने के इम्पावर वाला बनाउ कह के, तो एहने कह के हम तै टाइम में लगभग अपने के 12-13 के बीच में हम वोमेन एम्पावरमेंट के जे चीज हम काम करी जे ट्रेनिंग सब गांव में देवी वही के हम पेंटिंग बनेने रही, तो वो पेंटिंग हमर बहुत पॉपुलर भेल। वही पेंटिंग से ही माध्यम से और जे गांव समाज में पहले के अवस्था जे देख देख के वो सब गेल रहता, आ तेकर बाद में जे वो सब 3 बरस के बाद आकर जे गाँव में फेन देखलखिन से बहुत चेंज इमेजिंग उनका सबके लगले कि सुनेना अहाँ केना कह के लिए एगो आर्ट से महिला सबके परिवर्तन केना भ गेले, जे हम सब 5-6 आदमी के नहीं भेला कर सकनौ अहाँ केना कह के आई एगो टीम बनेली कह के, तो उनका सबके बहुत चेंज लगले ओहो में आर्ट से पेंटिंग द्वारा। तो हमरा अमेरिका में 2016 में कॉमन ग्राउंड अवार्ड से सेहो अहाँ के सम्मानित कैल गेल ओत, और हमरा ओहिसे पहिने जाए से पहिने हमरा किछ पेंटिंग बना के लाओ सुनेना कहने रहता, तो हम 11 टा पेंटिंग से मात्रे हम ओहि सोलो एग्जीबिशन केने रही। हम अपने सबके कह दी बहुत ज्यादा नहीं लगल रही, हमरा ओते आइडियो नहीं रहे कि हम बहुते पेंटिंग ल जाए तो हमरा और सेलिंग हैत कह के, हम ई धुक चुकी में रही कि हमर पेंटिंग बिकत कि नहीं बिकत। तै दुआरे हम 11 टा पेंटिंग लग गेलौ सोलो एग्जीबिशन अहाँ के ओत लगेला के बाद में इमेजिंग बहुत ज्यादा कि एकटा जे मिथिला आर्ट अत्ते मतलब
पैसा दै छै एना तखन ते हमरा उहे बात याद आवे कि हम पेंटिंग बनेने छी त मतलब हमरा सोचल से विशेष त हमरा अपना आप में जे बहुत एकटा होय छै ने प्राउड नै हम ये और करब और दीदी बहिन सब के अगाड़ी बढ़ायब त एहने में हम 2016 में अमेरिका में अवार्ड पेनो ओकर बाद एला के बाद में बहुते साथी सब तेकर बाद में पत्र पत्रिका सब में आयल बहुते साथी सब से चीन जान भेल ओय के बाद बहुते साथी सब आहां के जे सुनेना जी आहां बहुत नीक कह रहल छी आहां और अय में विशेष आहां नीक से करू कह के बहुत सजेशन सब बहुत आहां के एकटा होय छै ने प्रोत्साहन सब मिलल तेकर बाद में पेंटिंग बनेला के बाद में 2017 में अपने के सोरी में फैन केयर नेपाल से सफल उद्यमी महिला कह के हम सेहो सम्मानित भेल छी अल नेपाल में आहां के केयर नेपाल एकटा अभियान चलेलखिन तई में आहां के हमरा सेहो आहां के सफल उद्यमी महिला कह के पुरस्कार देले रहता तकर बाद में अपने के 2017 में ललित कला से राष्ट्रीय अवार्ड में विशेष पुरस्कार पेनौ 18 में राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार पेनौ तकर बाद में आहां के बहुत जगह आहां के वही दौरान में एग्जीबिशन तकर बाद में 16 एग्जीबिशन केने रही काठमांडू में बाबर महल तकर बाद में एना ग्रुप एग्जीबिशन सब इंडिया में चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली सब में केनौ श्रीलंका में केनौ तकर बाद में जापान में आके वही दौरान बीच में 17-18 के बीच में एकटा हमर न्यूज गेल रहे ओ न्यूज मार्फत से उ सब आहां के एहिठाम आयल जे अर्पिता दी कहलखिन कि जब जापानी सब बहुत ज्यादा उ सब सर्च कऽ कऽ कोनो चीज के आहां के तब ऑफर दै छै और सपोर्ट करत आहां के प्राय आहां के विदेशी सब अय प्रति बहुत ज्यादा हुनका सबके ओ रहैये कि अपना सबके होइ छै ने जल्दी विश्वास कर लेब जल्दी कोनो चीज पर हाँ कहि देब ओना नहि छै विदेश में लगभग ओ सब जापान से एहिठाम अयला के बाद एक महीना बाद हमरा मालूम चलल कि ओ हमरा बारे में सर्च कर रहल छथिन एक महीना लगातार ओ सब सर्च केलखिन एहिठाम नेपाल में सुनेना केना काम करै छै की करै छै की मतलब कोन पेंटिंग बनबै छै बहुत ज्यादा सर्च केला के बाद में ओ सब जे हमरा बहुत ज्यादा हेल्प हुनका सबसे मिलल एकटा प्लेटफॉर्म मिलल हमरा ओतय जाके तकर बाद में हम अपन लगातार जापान में 4-16 एग्जीबिशन केनौ आके 4 बेर जाके आके विभिन्न स्टेट में आके ओय के दौरान में आहां के बीच बीच में जापान और अपना नेपाल में सेहो तकर बाद में इंडिया श्रीलंका बीच में गेनौ एहने कह के ग्रुप एग्जीबिशन और सोलो एग्जीबिशन हमर होत रहल और तकर बाद में अही दौरान में दूटा गैलरी सेहो हम स्थापित केनौ एकटा जनकपुर जानकी मंदिर में और एकटा आहां के काठमांडू आहां के ठमेल में पर काठमांडू ठमेल में हमरा ओते सक्सेस नै भेल जे जै जगह पर हम रखनौ ओहि जगह पर आके कनिक विवादित मॉल जे छाया मॉल में हम रखलौ ओत गवर्नमेंट किछ हुनका सबके एक आपस में अपने किछ विवाद के कारण से किछ डाउन ओत के स्थिति बुझायल ताहि दुआरे हम ओ गैलरी के अभी मार्केट में ठमेल मार्केट में पार्टनरशिप में रखने छी पर जनकपुर जानकी मंदिर में हमर आर्ट गैलरी है सुनेना मिथिला आर्ट गैलरी से जै टाइम में खोलली तै टाइम में तो बहुत ज्यादा विरोध की आज तक लो कोनो आर्टिस्ट नहीं खोलल के सुनेना अहाँ नहीं ओहि में कैला पैसा लगबै छी कैला अहाँ खोलै छी अहाँ के एहिठाम नहीं चलत मतलब साथी भाई सब बहुत ज्यादा पर हमर एकेटा सोच रहे कि नहीं अई जगह पर सब आदमी विदेशे में करबे का सब आदमी काठमांडुए करबे तो जे जत से उत्पन्न भेल से मिथिला आर्ट जे हम अपना अई जगह पर जे प्रचार प्रसार नहीं हेतै जब तक अहाँ के घर घर तक नहीं पहुँचते तो के लेता सब दिन अहाँ पराये भ जेतै अहाँ के मिथिला आर्ट अपनाते के तै दुआरे हम त अहाँ के जानकी मंदिर में हम गैलरी स्टार्ट केनौ जे बहुत आदमी के सपोर्ट है हमरा गैलरी में जे स्पेस के लागी पर अहाँ के ओहिठाम अहाँ के सुनेना जी ठीके छे अहाँ के सहयोग हमरा सबसे रहत कह के साथी भाई के सहयोग से ही हम ओत राख पेनौ गैलरी स्टार्ट भेला के बाद में किछ दिन तो हमरा ओहने लागल पर हमरा ई लगैया
कि कभी भी जना आर्ट क्षेत्र में हम जुड़ला के बाद में डायरेक्टे सक्सेस नहीं होए छे, प्रयास केला से हर चीज संभव छे। जना हमरा अगारी आगामी दिन में सेहो लागल रहा, आ हम गैलरी स्टार्ट केली तैयो लागल, तो ओय के बाद हम सक्सेस में छी और हमरा एकदम निक लाग रहल है कि हम जे टाइम में एकदम निराश रहे कि चलत कि नहीं, पर हमरा आई विदेशी नहीं, टूरिस्ट नहीं, लोकल लेवल के जे हमर अपन लोग छथिन, हमर अत के एगो दीदी बहिन दाजू भाई जते ओहे सब ओहे संघ संस्था सब आई जे एकदम विस्तृत रूप से जे कहबे एकरा प्रचार प्रसार भ रहल छे। और मिथिला आर्ट के 3 बरस पहिने आ के बहुत संघ संस्था सब मिथिला आर्ट कह के जना जे हम खादा स्टार्ट केने रहे जे अपना सब के मैथिली गमछा होय छे ओय में हम आ के शुरू में पेंटिंग बने लिए स्टार्ट के लिए हम मिथिला जे गमछा में तेकर बाद में दोसल्ला में और सब के हमरा त नै बुझाय आब केने हेता जे हमरा ओते अनुभव नै है, पर हमरा अपना लागल कि हम इसे स्टार्ट करी कह के हम स्टार्ट केलु। बढ़िया मार्केट आहा के हमर उपकर ल साड़ी सब के आहा के स्टार्ट केली, साड़ी और लेडी इंडिया में बहुत ज्यादा बनित रहे, पर नेपाल में बहुत साथी सब कलाकार साथी सब बनवत रहता और पर कनिक हम एक चेंज क के बनेलो आहा के जेना अभी के जेनरेशन महिला सब लड़की सब लगा सक तेना क के बॉर्डरिंग में कनिक चेंज ला क तेकर बाद में आहा के शॉल कुर्ता सब टी शर्ट सब ई सब आहा के जे लोकल लेवल में मांग छे एकर, तो हम ई अयला कहनो कि जब तक हमरा की मांग छे हम ओ चीज नहीं देवे तब तक आहा के अपनात नहीं आदमी, तो तै दुआरे हम ओहन चीज देव के प्रयास के लिए हमरा उ सक्सेस रहल बहुत ज्यादा और हमरा अपना आप के लगित रहे कि बहुत निक छे और बहुत बढ़िया भ रहल छे। और परिचय के में और हम ई जोड़ चाहब कि जे टाइम में हम स्टार्ट के लिए वही टाइम में जे कनिक निराश रहे कनिक सपोर्ट कम रहे, पर अभी के टाइम में जे व्यक्ति सब सपोर्ट नहीं करे वो व्यक्ति सब अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा सुनेना जी हमरा कनिया के सिखा दिया हमरा लड़की के सिखा दिया, तो आई के लगा ये हमरा बड़का परिचय लगे हमरा कि नहीं हम किछ क पा रहा छी हमरा तेना लगे। आई दौरान में मतलब हम बहुत ज्यादा लड़की के और जे हमरा से सीनियर छे जूनियर छे उनका सबके एक खाब के एगो जे हमरा एक मौका मिल रहल है ओहो हम आहा के ओहो में बनिए भ रहल छे आहा के जे हम अभी तक में लगभग एनजीओ सबसे और व्यक्तिगत दोनों के जोड़ के आहा के कमती में 3.5 से 4 से तक ल के हम ट्रेनिंग देने हैब सिखेने हैब, तो इहो हमर एकटा अपन अलग किस्म के एगो परिचय है जे अभी गांव में चर्चा और समाज में जे देश में और बढ़िया छे कि हम सुनेना मैडम से सीखने छी कह के कमती में वो सासुरो चल गेल छे तो हमरा मैडम अहाँ जे सीख के गेलो तो हम मार्केटिंग तो नहीं पर अपना यूज के लागी कह रहल छी, तो एकटा ओ हमरा लागी बहुत निक अहाँ के मैसेज है। तेकर बाद में अभी तक ल में आहा के बहुते ज्यादा तो नहीं पर आहा के 15 आदमी के काज देने छे लिया, पर लॉकडाउन भेला के बाद में फिर 5 आदमी के जोड़ दे लिया जे हम अपने सबके कही। अभी गैलरी में हमरा रोजगारी के दृष्टिकोण से देखल जाए तो 15 से 20 आदमी अभी जे हुनका सबके हम काज देने छी जे हुनका सबके काज सबके मंथली तो नहीं पीस पर और मंथली पर सेहो आहा के हुनका सबके जे काज देने छी हुनका सबके काज हम गैलरी में रखे छी। ओहि के लेल हम बराबर कहत रहे छी गैलरी एकटा सुनेना के नहीं छे सब आर्टिस्ट के छे से कह के, क्याकि ओ गैलरी एकटा प्लेटफॉर्म छे आर्टिस्ट सबके जे ओहि प्लेटफॉर्म में सब आर्टिस्ट जते आर्टिस्ट आटा सके राख सके ते दुआरे ई एकटा बहुत ज्यादा हमरा ओ से हम बहुत चिन्हाय छी और सुनेना मिथिला आर्ट गैलरी छे कहि के जे बहुत आदमी के जे मुँह पर छे, तो परिचय के दृष्टिकोण तो इहे छे आहा के अभी हमर प्रयास है तुरंत एकटा एग्जिबिशन सेहो हमर 16 एग्जिबिशन छल और उ एग्जिबिशन कनिक हट के मिथिला आर्ट में ओना तो अपना
संस्कृति से जुड़ल जना जे परंपरा रीति रिवाज और वोमेन एम्पावरमेंट महिला के कथा व्यथा बच्चा के तेकर बाद में जेनरेशन जे बीतल आब वाला ये सब पे बहुत बनेनो तेकर बाद में कनिक हमरा में एकटा ई आयल कि हमर नेपाल एकटा प्रकृति से चिन्हाय छै एकटा अपना एगो अलग पहचान छै जे नेपाल के धनिक कहै छै ने एता के एकटा वन जंगल नदी नाला ई सब छै तल तलाव सब छै तै दुआरे हिमाल पहाड़ सब छै तै दुआरे हमरा कनिक मिथिला आर्ट में कनिक अइ द्वारा हम बनाए के क त अइ वेरी नेचुरल पर बनेने छै नो पेंटिंग सब जे नेचुरल पर बहुत सक्सेस भेल एग्जीबिशन हमर और अइ के ल क जे कनिक हमर प्रयास रहय कि चेंज बनेतो से तै के दुआरे अहाँ के बढ़िये भ रहल छै आ नीके भ रहल छै तऽ मैडम हमर परिचय ऐसे विशेषता एते छै हमर परिचय अभी जी सुनै ना जी बहुत हम तऽ आत्मविभोर भ गेलहुँ सुनि कऽ चूँकि महिला छी आ सशक्त महिला के बहुत प्रबल समर्थक छी महिला अबला नहि छै आर महिला के गुण छै आर अगर कोनो तरह के अबै छै दिक्कत महिला डट कऽ सामना करैए तऽ से हमरा बहुत नीक लगैए अगर केओ महिला अपन गाथा कहै छथिन तऽ सुनै ना अहाँ के मुँह से सुनऽ चाहब कि एंटा के रोल अहाँ के जीवन में की रहल चूँकि एंटा के प्लेटफॉर्म पर जनकपुर के सीता सरन होटल में एज अ प्रवक्ता भऽ कऽ हम आयल छलहुँ आर अहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से पुरस्कृत भेलहुँ अहाँ के संग दोसर महिला आर्टिस्ट सब सेहो पुरस्कृत भेल छलखिन अहाँ के जीवन में एंटा हमरा ई बात फरछा कऽ कहू सुनैना जी कि लोग प्रोजेक्ट के मतलब होइ छै कि अहाँ के मौद्रिक रूप से चाहे एहन चीज सब करी लेकिन एहनो चीज बहुत बड़का होइ छै कोनो संस्था के लेल कि ककरो एकटा प्लेटफॉर्म देनाय जेना आर्ट के वर्ल्ड में अहाँ के प्लेटफॉर्म भेटल एंटा के थ्रू तऽ अहाँ एंटा के कतेक अपन जर्नी के कतेक अंश एहिमे चाहबै एहिमे एक्नॉलेज करऽ चाहबै अपन सक्सेस स्टोरी में किछु एंटा के देबै कोनो एको हिस्सा एको परसेंट एकदम किया कि हम जे टाइम में अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज केने रहे जे एंटा द्वारा फैल रहे सीता सरन में वो टाइम में हम काठमांडू रहे जब ये हमरा जानकारी भेटल तब ओत से हम कोना के आयल रही जे हम अपने के कहनाहू रहे किया कि हमरा जब ये मिथिला के जोड़ के कोनो चीज होय छै तो पता नहीं की भ जाय कि हमरा ई जुनून भ जाय कि नहीं हम ओ चीज में पार्टिसिपेंट हैब हम करब कह के ई एकटा पहल बेर हम सुनलहुँ कि जे अतः के एकटा बेटी पुतौ अमेरिका में जा कर रहल छै आ ओ एंटा द्वारा एहिठाम आ कऽ मिथिला आर्टिस्ट के वर्कशॉप कराबऽ वाला छै कहि कऽ एकटा बहुत बड़का मिथिला आर्टिस्ट के लागि और खुद हमरा अपनो महसूस केलहुँ कि जब तक हम महसूस नहि करतिए जब तक हमरा नीक नहि लगतै तब तक हम नहि अयतै हम ओहि ठाउ मे तै दुआरे हमरा ई लागल है कि हमरा नहीं बुझाइए कि जनकपुर में कोई शायद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ओना कह के केने रहे कि अमेरिका से आ कर तो वही के लग हमरा ई चीज बहुत ज्यादा हमरा लगा हमरा लगे कि सब मिथिला आर्टिस्ट के निक एक बड़का प्लेटफॉर्म अहाँ के मिलले वैसे बहुत ज्यादा जे हमरा से अगाड़ी जे जना रंजू के मिलल छले वही द्वारा मिलल छे अहाँ के प्रियंका कर्ण के मिलल छले तेकर बाद में औरो नारी विकास के अहाँ के आर्टिस्ट सब छले अहाँ के तेकर बाद में बहुत ज्यादा आर्टिस्ट सब मिथिला आर्टिस्ट सब छले उनका सबके एंटा द्वारा बहुत बड़का प्लेटफॉर्म मिलल छे तो एंटा के कतौ ने कतौ आई मिथिला आर्टिस्ट के लेल पॉजिटिव पॉइंट छे बहुत ज्यादा छे एकटा बड़का प्लेटफॉर्म छे आई एकटा जे आई जूम मीटिंग द्वारा जे अपने जे एक दोसर के आर्टिस्ट के जे एकटा संघर्ष एकटा हुनकर परिचय एकटा हुनकर एकटा पहचान जे अपने जे एहि द्वारा जे प्रस्तुत कर मतलब कर रहल छियै यदि आर्टिस्ट सब अपन मन में जे रहल बात सब छै जे अहाँ के व्यक्त
कर रहल छै तो कतौ ने कतौ एक दोसर के अहाँ के ई लिंक बनि रहल छै आगे तो ई अहाँ के एंटा एंटा द्वारा भ रहल छै तै दुआरे एंटा के कतौ ने कतौ जे आर्टिस्ट के लेल बहुत बड़का अहाँ के प्लेटफॉर्म छै हमरा हमरा सेहो लागल हम बारम्बार अहाँ के ई चीज रिपीट करैत रहै छी तै दुआरे ई अहाँ के हमरा ई लगैए कि एंटा से आर्टिस्ट सबके इहो अपेक्षा है कि आगामी दिन में बहुत नीक हेतै और बहुत बढ़िया एंटा परिवार और एक कम्युनिटी जे छै से अहाँ के करता से हमरा विश्वास सेहो अइ और जे अभी मान लिया कि हम 6-7 आर्टिस्ट में जुड़ के कह रहा छी बिहान के दिन एहन हेतै कि 300-400 आर्टिस्ट एक बेर में हम सब सेहो अहाँ के प्रस्तुत कह सकै छी और एक बेर किया हम तो ई कहै छी एंटा के हम फेर से अनुरोध करबै कि फेर से खास क के अर्पिता मैम हम अहाँ के इहो कहब कि अहाँ फेर आओ और जनकपुर में और नीक से और बढ़िया हम सब एकदम कदम में कदम साथ द क अपने के और प्रोग्राम के हम भव्य बनाबे चाहै छी और आर्टिस्ट सब जते छै अइ सब के हम ल क और चली अइ में जे बहुत अहाँ के ओइ टाइम में नहियो जुड़ल है जानकारी कनी कमे भेल है तै दुआरे तो तै दुआरे और अइ के भव्य तरीका से कयल जाय तो अइ में दू मत बात नहीं छे क्या कि एंटा बहुत बढ़िया एकटा अपन धरोहर परंपरा एगो नेपाल के लागी और मिथिला के लागी बहुत ज्यादा अहाँ के कह रहा है आगे तै दुआरे हम फिर हृदय से हम धन्यवाद देव चाहब एंटा के धन्यवाद सुने ना तो की छे डिजिटल आप तो सब वेबिनार दिन भर वेबिनारे चले छे भोर से सांस तक लोग वेबिनारे में रहिए एक वेबिनार से निकले या दोसर वेबिनार में जाए छे तो ई कोनो एमे फर्क करा पड़ते हम ई वर्चुअल प्लेटफॉर्म के मार्फत से आवाहन करी छी कि जे श्रोता छथि जे दर्शक छथि एंटा के ट्रैक हिस्ट्री के देखियो कि एंटा जनकपुर गेले जनकपुर में सबटा आर्टिस्ट के गोलियाल गेले यहो नहीं छे कि छाइन के सिर्फ सुनैना जी के बजाल गेल छले बकायदा एडवर्टीजमेंट द के जगह जगह से आर्टिस्ट आयल छलखिन 28 आर्टिस्ट हमरा याद ये भेल छले ओय के बाद ई चीज के बाद बिसरले नहीं एंटा सबटा पेंटिंग के एठम आन के प्रिंसटन जेहन जगह जे कि अमेरिका के एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से प्रख्यात छे ओ हुनकर अपन आंगन में कोर्टयार्ड के अहाँ के हॉल में एग्जिबिट के लिए ओके बाद अहाँ के वर्चुअल पे तो अहाँ सब एबे कलो हैं से पहनो एलों एक बाद अहाँ सब फिर आयल छी तो ई जे संबंध छै एमे जेन्युइननेस छै एमे अहाँ के कोनो कोनो एकटा प्रोग्राम के लिए भाषण दऽ के हम सब नहीं निकल गेलों एकटा होइ छै अहाँ प्रॉमिस कऽ के घूरे नहीं छी शायद सुनैना अहाँ के याद हैत हम सब कहने छलिए कि आर्टिस्ट के दुख दर्द आर्टिस्ट के परिस्थिति के नॉन प्रॉफिट एंटा जेहन जे छै ध्यान रखते एंड वी वांट एवरी आर्टिस्ट टू प्रॉस्पर जिनका मुकाम भेट गेल छै आ जिनका मुकाम नहीं भेटल छै बहुत आर्टिस्ट संघर्षरत छथि हम कहब एहि प्लेटफॉर्म से कि अहाँ सब लागल रहू अपन धरोहर के बचाव के ई मुहिम में सबक सहयोग चाहिए आप सुनैना जी अहाँ से पूछब अहाँ तो किछ कहबे के लिए औरत के की होइ छै व्यथा आप जेना जापान गेलहुँ अहाँ विदेश जाइ छी अहाँ के की संघर्ष के सामना करय पड़ैए जे अगर नेपाल के कोनो आए सुनय वाला आर्ट के करियर माइंड का आगू बढ़ावे छथिन तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल की छै महिला के लेल अहाँ के किछ अपन अनुभव शेयर करू ऑफ कोर्स अहाँ अवार्डेड पेंटर छिए आर्टिस्ट छिए लेकिन ओहो आर्टिस्ट के एकटा अहाँ के संघर्ष होइ छै यहाँ के माइक बज रहल यऐ सुनैना जी हाँ ओहन नहि कहलहुँ हुनका बंद करा दै छी तैयो अहाँ के मैम एक बेरी फेर अथी करू तऽ आवाज आबि गेलै एना अपने आइ देश विदेश घुमै छियै आर्टिस्ट भ के घुमै छियै अहाँ अपन जर्नी के एक्सप्लेन करू अपन संघर्ष के करू चूंकि सबटा ग्लिटरी लगै छै बड़ा सुंदर लगै छै बाहर से कि सुनैना विश्वविख्यात पेंटर छथिन लेकिन सुनैना के की संघर्ष छै आइ के डेट में से सुनय चाहब
अय में तो सबसे पहले जे जे समुदाय से हम सब बिलोंग करे छी उस समुदाय में महिला के खास क क जे देख के नजरिया है जे एकटा पितरी सोच जे है वो आहा के अभियो कतौ ने कतौ समाज में जकरल है। और दोसर में जे चौकट पार जे कहे छे जे चौकट से बाहर जाकर जे महिला काज करे छे हुनका त नहिए नीक दृष्टिकोण से देखल जाय छे। अभियो हम अपने के जानकारी दी तब किया कि हम शहर में रह के काज नहीं करे छी गाँव में रह के काज करे छी तो ओते चीज झेलवा के मौका मिलत रहे और झेल चुकल छी तो ते दुआरे आप बहुत दीदी बहन सब छे हुन सब झेल रहल छथिन ई चीज क्या कि जे एगो महिला अत से घर से बाहर जाकर जे हम बैक जा फेरू महिला महिला संगे बातचीत नहीं कर दे छे। सबसे बड़का बात ई देखियो आ जब महिला महिला संगे बातचीत नहीं कर दे छे तो पुरुष संगे केना कर देते बातचीत बड़का फर्स्ट चुनौती। दोसर में यदि कन्विंस यदि चौकट पार यदि बाहर निकले छी तो वही टाइम में आहा के जे टाइम देल छे यदि 10 से 4 बजे तक ला कोनो मीटिंग छे यदि 5 बज गेले ओकर सफाई दिया आहा के ओ तनाव आहा के अलगे कि हमरा घर जाके छे घर गेली तो सेहो बात सुन के घर फैमिली मैनेज कर के छे तो ओ चीज हमहू झेलले छी और झेल रहल छथिन दीदी सब अही समाज में छी काज कर के छे कान सुन के मात्रे सुन लेनो ओकरा निकाल देनो पर की छे आगे कहियो भी पॉजिटिव सोचनी किया कि हमरा ये चीज कर के छे हमर लक्ष्य छे हमरा उपाव के छे ते दुआरे तो ओहन चीज नहीं आले कांटा सबसे नहीं बात छे बहुत ज्यादा बाधा आले सास के कन्विंस करे पड़ले ससुर के करे पड़ले श्रीमान के करे पड़ले तेकर बाद यदि घर के कन्विंस कर लेली तो समाज समाज बहुत बड़का एक टा बात छे जे समाज जे जे नहीं कहे छे मारू नहीं दे छे जीहू नहीं दे छे एहन होय छे समाज आके तै दुआरे समाज के कोना क के कन्विंस कर सके छी तो समाज के एक टा इहे बात छे आहा जब तक बढ़िया काज क के नहीं देखबै समाज में आहा के एक टा जे आहा घर से निकल लिए ठीक छे विरोध करत आहा के किया कि हम कोन पितरी सतात्मक जे एक टा सोच से जकरल छे ओई में छी आहा जकरल तो आहा डायरेक्टे नहीं चेंज कर सके छी समाज आहा के कहबे करत हमरो कहला ओ चीज की नहीं कहला हमरा कि घर से बाहर जाए छे मीटिंग में जाए छे होटल में जाए छे मीटिंग करे होटल में जाए छे जे लेडीज से खराब होय छे कहे कम पर ओह चीज के सुन लो ओह चीज के कान में दबा के रख ली हमरा ई रहे जुनून कि हम आई समाज के क के देखावे किछ तो ओ चीज हम क के देखेनो हुनका सबके जब करत गेली तेकर बाद में कनिक समाज से उबर क कनिक बाहर गेली तेकर बाद में साथी भाई सब के बहुत रंग के बात सब सुन के मौका मिलल जे बहुत पॉजिटिव तक की बहुत ज्यादा निगेटिव सब जे मीटिंग में जाय छे तो आ के पेंटिंग के ट्रेनिंग ले छे त या पेंटिंग बेच जाय छे जेना कह के अपना नेपाल में जेना सोलो एग्जीबिशन केनो जेना आ के पोखरा गेली तेकर बाद में आ के अवार्डे लेव गेली तो अनेक किस्म के बात सब जे अबैत रहे छे तो बहुत ज्यादा दुख लगे छे तखनी मैडम तेकर बाद में की होय छे ने कभी भी हमरा ई लागल है कि जे हम डायरेक्टे यदि विरोध करबै त कतौ हम घर के भीतरे थुना जाय फेनू त विरोध नै क के हिनका सबके काम क के देखावे के छे तो अइ दुआरे हुनका सबके काम करैत आ देखावैत गेली तेकर बाद विदेश के बात एले हम अपने के कही मैडम हमरा दू बेर हम अमेरिका नै जा पेलो हमरा ऑफर आयल तेकर बाद में हम फेन नहीं गेलो फेन आयल नहीं गेलो तेसर बेर में हम गेली अहाँ के अमेरिका जब जे फर्स्ट बेर में अहाँ के जब आयल तो अहाँ के सब समाज में केना भ गेले पूरा हल्ला भ गेले कि फलाना के कनिया छे अहाँ के अमेरिका जाय छे अमेरिका जेते तो नहीं एते कह के ओनिये ब्याह कर लेते ओनिये रह जेते अमेरिका जाय छे से नहीं आवे छे ओ माई गॉड इतना ज्यादा अहाँ के टॉर्चर बहुत ज्यादा तो वही टाइम में तो घर फैमिली से अलाउडे नहीं कलखिन तेकर बाद में आ के फिर आहा के ओहने बात आयल है तेकर बाद में तेसर बेर में आहा के बहुत ज्यादा काम क के हुनका सब के देखेनो ताले एनपी से वार्ड सब पेने रही आहा के तेकर बाद में आहा के कनिक हिनका सब के ई लगले कि नहीं
अमेरिका जाए छे तो आके अबे छे कह के सेवा सब हिनको सबके बुझल तेकर बाद में अमेरिका जाके जे ओतः जे चल गेला के बाद में मैडम बहुत ज्यादा हमरा एकटा होय छे ने जे बहुत साथी भाई सब की अहाँ रह जाओ अहाँ अत आयल छी एक तो अब नहीं छे आदमी अत आयल छी तो रह जाओ अहाँ के पैसा हैत अहाँ के हम अहाँ के मतलब अहाँ के काम दोसर जगह नहीं करा पड़त अही बल्कि दोसर के सिखेबे पर हमरा कतौ ने कतौ ई लागल है कि हम बहुत ज्यादा संघर्ष क के दीदी बहिन सबके निकालले छी बाहर यदि हम यदि रह जेबे अमेरिका में तो हुनका सबके घर परिवार की कहते कि देखी एकटा जे तोरा सबके निकालल को बहरा उत्ता जाके उत्ता रह गेले उत्ता शादी ब्याह कर लेल के आदमी ई नहीं सोचे छे काम से रह गेले ब्याह शादी क के रह गेले हेते से सोचे छे क्याकि हमरा समाज में अभी ओहिने छे आके चेंज नहीं भेल छे बहुत ज्यादा अभी तक लो मैडम बाहरी बाहरी रूप से जे कनिक शिक्षित भेल छे ओइ से लगे छे बहुत परिवर्तन छे पर ग्रामीण लेवल में खास करके गाँव में बहुत ज्यादा अभी ओहिने छे हमरा ई लागल कि नहीं पैसा भ जेते पर जे दीदी बहिन हमरा पर आशा जे छे जुड़ल छे जे हमरा पर विश्वास केने छे हुनका सबके मनोबल टूट जेते हम ओ पैसा नहीं देके हुनका सबके लेल हम अई जगह पर एलौ आके क्याकि बिहान हमरा घर फैमिली के कोई औरत के बाहर नहीं जाए देते कोनो लेडीज के ने चौकट अहाँ के रोक जेते भीतर में थुना जेते बड़ा उनका सबके किरण जागल छे एकटा तो ई अहाँ के एकटा बहुत बड़का के मन हो तो अहाँ के ओई जगह पर की होय छे कि ओई चीज के रोक पड़े छे समाज के देख पड़े छे घर परिवार के देख पड़े छे और काम के दौरान में बहुत ज्यादा अहाँ के टॉर्चर तनाव जे हम महिला सब बहुत संघर्ष क के बाहर निकले छी और जे अहि समाज में जे हमर जेंट्स के नहीं छे पहले हमरा इहो लगे छे कि जेंट्स अहाँ के की होय छे जे जे कहे छे ना पुरुष पुरुषे हिंसा करे छे कह के पर नहीं महिलो महिला के दबे छे महिलो महिला के हिंसित करे छे महिले अहाँ के अगाड़ी नहीं बढ़ा दे छे अहाँ के सबसे बड़का महिला महिला के दुश्मन होय छे अहाँ के बहुत ज्यादा अय क्षेत्र में काम केला के बाद में ई सब हमरा जान के मौका मिलल अहाँ के बुझनौ अय दौरान में तेकर बाद में अहाँ के जब जे ई चीज के बुझला के बाद में हमरा लागल नहीं समाज समाज एहन चीज है जे समाज के अगाड़ी में अहाँ जे समाज से अहाँ मुंह लगेबे समाज के डायरेक्टे अहाँ के निगेटिव कह देवे तो अहाँ के सपोर्ट नहीं करत कोई ते दुआरे वही समाज में अहाँ काम क देखब जइयो अहाँ तेकर बाद में अहाँ के समाज अपने अपना लेत अहाँ के अपने समाज स्वीकार करत घर परिवार साथी भाई सब तो एहने भेले अहाँ के चुनौती नहीं भेले से बात नहीं छे बहुत बाधा अवरोध घर फैमिली से लऽ कऽ कहियो काल तो एना हो एते टॉर्चर भ जाए कि घर में जाके कान ली आ तेकर बाद में अहाँ के लोर पूछ के आ बार हंस लगी मतलब एहन तकला अहाँ के समय सब सेहो अहाँ के देख पड़ल है वास्तव में देख के लागे तो बहुत साथी भाई के बहुत समाज के देश के विदेश के जते आदमी छे उनका सबके सुनेना आई एते अवार्ड पालेल के या हम जे टाइम में मैडम एकटा बात कहै छी औरो रखै छी संगति अवार्ड अहाँ के कमला भाषण कह के छथिन जे हमरा 17 सॉरी 19 में समथिंग देने रहता जे अहाँ के ओ टाइम में अहाँ के की भेल है जे हम अवार्ड लेब गेली ने तो ओते बड़का आदमी छथिन वो आ ओ व्यक्ति जे किछ बात रखलखिन अहाँ के स्टेज पर तो हमरा ई लागल मंच पर से जो बजलखिन ओ तो हमरा आँख में आंसू आबि गेल कि देखियो ओ व्यक्ति के एते बड़का सब फैन छे अहाँ के महिला क्षेत्र में एते सशक्त महिला देख में छे पर हुनको पछाड़ी एते कथा व्यथा छे अहाँ के तो अय सब से प्रेरणा मिले छे अय सब से अहाँ के की होय छे ने कि अपना आप में जे शक्ति छे नुकायल अहाँ के से बाहर आबे छे कि काम करे के जोश मिले छे अहाँ के कि नहीं तो ई अहाँ के की होय छे ने जे हमरा में एकटा हम कहनौ ने कि कान लिया तब अगाड़ी में जाकर साथी सबके अगाड़ी में हंसे लगी कि हमरा में दुख नहीं छे अहाँ के कहि के तो जते देखावा के रूप में बहुत ज्यादा छे कि त्यौहार छे एहन काम करे छे ओय पछाड़ी एकटा बेटी भ के काज करे में आ पुतौ भ के काज करे में बहुत ज्यादा फरक छे कि घर फैमिली देखत बच्चा तेकर बाद में समाज देश सब देख पड़े छे आ एते के हैंडल क के तब काज करे पड़े छे तो अय ल के
जे चुनौती चुनौती छे ओहिनो महिला के संघर्ष में जीवन छे त तैयो हमरा सबके ई लगिए कि अय में पछाड़ी नहीं हटके छे क्या के हमरा अपना आप के सेहो पहचान बनाबे के छे हम महिला एगो घर तक ल सीमित नहीं छी ई है कि देखैत मैडम आई अगारी एते तक ल छी ठीक सुने ना बहुत नीक आई एम सो इंस्पायर्ड एंड यू आर इंस्पायरिंग मी त हम आब अहाँ पर ई आब अहाँ के कला के जगत में घुसे छी कि सबके अपन अपन तरीका छे अभिव्यक्ति के जी दीदी हम कनी के इंटरप्ट करम उनकर कुछ प्रेजेंटेशन सब छे एग्जैक्टली ओही टाइप पर हम भी कुछ पास भे रहल छी त हमने के सबसे पहले उनका प्रेजेंटेशन ओरी चलल यस यस धीरज जी त सुनैना जी अहाँ के आर्ट के विषय में हम आब रहल छी सबके अपन अपन अभिव्यक्ति के माध्यम छे तो आर्ट के जे अभिव्यक्ति छे जे अहाँ प्रेजेंट करी छे ओ कतस अहाँ डिराइव करी छे कि ओ सामाजिक जीवन के प्रस्तुत करी छे कि ओ पौराणिक कथा जे छे सीताराम के विवाह भेल या जनकपुर के अहाँ के जे पुरान चीज सब छे या विवाह में कोबर के आर्ट भेल अर्पण भेल अहाँ के आर्ट के विषय में बात करू आ किछ अगर शेयर कर के तो स्लाइड सब शेयर करू And we would like to know what you have done in your art and how you have spoken through the language of art. Thank you, Archie, madam. आर्ट में केना छे मैडम कनिक जे राम सीता से भगवान से जुड़ल आ अपन परंपरा से जुड़ल जे छे तो उ सब त छेबे करे कनिक कनिक महिला भेला के कारण से खास कनिक हम कनिक महिले से जुड़ल आर्ट सब विशेष क के अहाँ के बनाब के कोशिश केलहुँ तकर बाद में बच्चा सब तेकर बाद में वोमेन एम्पावरमेंट तेकर बाद में अहाँ के किछ अभी के अवस्था किछ बीतल अवस्था किछ आव वाला केहन फ्यूचर होबे के चाही तेहन कनेक हमर कनेक के रहे आर्ट सब कनेक मैसेज जे समाज परिवर्तन हो जे निजी जिंदगी से लक जे अभी के जनरेशन सब बुआ बुची सब में किछ चेंजपन आवे ओहन में कनेक हमर विशेष फोकस रहे खोल मैडम एते नेटवर्क वीक रहे छे ना मैडम एत अपने वो जो डॉक्यूमेंट शेयर करे रहले तखन तरह के जी आप के लो कई राज सुने ना जी एकरा अपने अगर मैक्सिमाइज कर दे ना हां आते रहे छे अपने ओके एक टा माइक बंद करा पड़त दू टा माइक चल रहल ये ता इको करै आवाज देख रहल छे ना ओकरा बंद करू तो
अहाँ के मैडम हम कनेक जे अपना सब के मिथिला आर्ट में इ कोना का के अहाँ के पहले के आ अभी के हम देखाव चाहे छी। इ वाल जे देख रहल छी अपने जना जे भूई चित्र छे तेकर बाद में जे वाल में बनल छे माइट के घर में और माइट से बनल छे ए चीज छे अहाँ के। तो इ की छे अहाँ के जे पहिना हूँ जे हमरा सब जना जे अभी जे लागल छे पेपर कैनवास कपड़ा ओइसे पहिना ही जे हमर दादी सब छलखिन परदादी सब छलखिन ओ सब के तहिया त ईटा बालुआ सीमेंट के घर नै रहे अहाँ के तहिया माइटे के घर में माइटे से बनबे अहाँ के माइटे के घर में माइटे से अहाँ के बनबे जना जे जे छे अहाँ के जे देखियो अपने जे माटि के घर में आके चिड़ै बनल छे तकर बाद में गाछ बनल छे और जे एहि साइड में छे जे अहाँ के जे अहाँ के माटि के घर में बनल छे दोसर में अहाँ के जे देख रहल छियै जे अहाँ के की छै अहाँ के एक्रेलिक कलर नहि छै अहाँ के माइटे के कलर से बनेने छी सब जे गियर कहै छै। पहिले हमरा याद अछि जे हमर मम्मी सब बनबै छलखिन ओना तऽ पढ़ल लिखल नहि छलखिन हमर मम्मी तऽ ओ सब बनबै छलखिन तऽ हम कहितियै से माँ तू कथी से बनबै छी से कलर कतऽ से आनै छी तऽ ओ कहै छलखिन कि हम माटि के घोरि के बनबै छियै जे गेउर कहै छलै चुन्ना कहै छलै तऽ गेउर के चुन्ना से बनबै छलखिन ओ सब तऽ ओहे माटि के घर में माटि के कलर से अहाँके बनेने छै जे हुनका सबके जे छलै मिथिला के नारी में महिला में जे हरेक नारी में अहाँके गुण छै अहाँके कला के तऽ ओहि के लऽ कऽ अहाँके पहिनहु अहाँके घर के जहिया से जे मनुष्य के एकटा जीवन यापन शुरू भेलै अहाँके तहिए से अहाँके घर सजावट के रूप में अहाँके कतौ ने कतौ घर के पोत का किछु ने किछु ओसब बनबै छलखिन या नेचुरल कलर या माटि के अहाँके कोनो डिजाइन दऽ कऽ तऽ तेना कऽ कऽ तऽ ई चीज अहाँके देखायल छै। आ एहि साइड मे ई जे छै तऽ ई भूई चित्र छै अहाँके ई अहाँके भूई मे बनबै छलखिन जेना जे आब कोनो अहाँके सत्यनारायण भगवान के पूजा भेल आ कोनो चाट पर्व भेल अहाँके जेना चौरचन भेल ओहि सब में आके भूई में आके बनबे छले चावल के पिठार से तो वो चीज आके छले तो ई चीज हम मात्रे देखाव चालिया कि ई पहिलका भेल आके पहिले एना क के बनबे छले से और अभी वही के जेना जे अब हम सब आके माटि के घर में जेना जे बने लिए तो ऐ के एना क के जे ई आके माटि के कलर से त नै छै आके ओरिजिनलो कलर नेचुरल नै छै ई एक्रेलिक कलर से बनल छै ई जे हम सब आके माटि के घर में पर एक्रेलिक कलर से हिनका ऐ के बनेने छियै जे तुरंते आके बनल छलै ई सीन त कनिक पेपर कैनवास में बनाव में आ ऐ के माटि के घर में बनाव में जे बड़ा दिक्कत बुझायल चेंज बुझायल अहाँके कियाकि जते सजिलो हमरा सबके पेपर में लागल जते कैनवास में लागल तत्ते माटि के घर में नहीं छे अहाँके जे ब्रश चलाव से लऽ कऽ अहाँके कलर कॉम्बिनेशन बहुत दिक्कत छे तो वो सब जे बनबै छलखिन तऽ कनिक ओहि के चेंज कऽ कऽ जे हमी सब बनेली तऽ एना कऽ के माटि के दीवाल में जे एना कनिक बनेली हमसब कनिक एकरा सिंगार के कनिक बढ़िया बना कऽ तकर बाद में और एकरा देखियो आब एहि के ई जे छै जे ई बनल छै अहाँके ई जे बनल छै अहाँके तऽ ई अहाँके सीमेंट के घर में छै अहाँके जे अहाँके ई बुद्धा बना रहल छियै आ ई बुद्धा अहाँके जे ई अहाँके सीमेंट में छै तऽ माटि के घर में और सीमेंट के घर में हम एहि लए देखेलहुँ हँ कि कनिक बहुते फर्क छै अहाँके काज करऽ मे जे कनिक फिनिशिंग में अहाँके चेंजपन आबि जाइ छै जेना जे कोनो चीज बना बहुत ज्यादा डिफरेंट छै अहाँके करऽ मे पर ई अहाँके जे पहिले जहिया जे मनुष्य के उत्पत्ति भेलै जहिया से अपन जीवन अपन घर जे घर 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 के शुरुआत भेलै तऽ घर के सजावट के रूप में वॉल पेंटिंग जे कहै छै जे ओ चीज अहाँके बनाबऽ के जे
भूई चित्र अभित्य चित्र जे भूई चित्र भूई में बनल छले ओ भेल अपने के और ई भगल भित्य चित्र जे भित्य चित्र में दुनू दिस हम देखा रहल छी जे ई अपने के सेहो छे आ के आ ई छे ई दुनू आ के सीमेंट में बनल छे आ के ई लॉकडाउन में हम सब बनेने छलिए जे एमे हमार आर्टिस्ट साथी सब सेहो छलखिन जे हम सब 7-8 आदमी से ई लॉकडाउन में जे काज केने रही तो कनिक डिफरेंट हम देखाब ई चाहली कि पहले के आर्ट जे हमार दादी सब बनेने छलखिन आ अभी जे देवाल माटि के घर में बनेनो से आ सीमेंट के घर में बनेनो से फरक फरक छे आके जे काजो आके डिफरेंट लगे छे देखे में आ कलर कॉम्बिनेशन सेहो आके कनिक मिलाब में तेकर बाद में बनाब में लाइनिंग सब बहुत लॉकडाउन में बनेने छलिए विराट सुनसरी सुनसरी और विराट नगर जत जे अपने के रानी थाना में पेंटिंग सब बनल छे आके लॉकडाउन में ई वॉल पेंटिंग केने छलिए ओतऽ से छे आके तेकर बाद में बुद्धा के बनल छे आ माछ रास बनल छे ई तेकर बाद में हम आब चलब कनिक हमर अपन जे एकटा कनिक हम जोड़ने छलिए ई काज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर करू हाँ जे जे वुमेन एम्पावरमेंट के जे हम शुरू केने रही जे हमर ई पेंटिंग लगभग हाँ या छे जे ई जे छे अपने के ई जे देख रहल छी अपने के ई आ के हमर शुरुआती रहे जहिया जे हम शुरुआत आहा के ओन एम्पावरमेंट के पेंटिंग बनाब के केनो तहिया हमरा बनिया जिकन पेंटिंगो करन नै आवे आहा के कलर कॉम्बिनेशन लाइनिंग के काज हमरा किछे नै आवे हम जस्ट आहा के तहिया हम INGO में जुड़ल रही और ई हम तहिया एकटा जे हम काज करी जे गांव में जाकर जे महिला सबके ट्रेनिंग देवी जे नेतृत्व संबंधी वुमेन एम्पावरमेंट संबंधी तो ठीक हमरा के फॉलो करे केहन व्यक्ति सब हमर बात सुने आवे वो चीज हम ई चीज पेंटिंग में उतारने रही ई लगभग आके ई पेंटिंग 2000 समथिंग आके ई पेंटिंग हेते आके 10 से पहिने के पेंटिंग छे ई बनल हमर जे तेकर बाद में जब जे आर्ट कर केना के बाद में जब इहे पेंटिंग के हमरा ऑर्डर आयल तो हम बाद में जब जे बहुत तेकर बाद में लगभग 12 के बाद आके ई पेंटिंग तैयार केली जे सेम इहे पेंटिंग के ई पेंटिंग जे अपने देखियो अय में कते डिफरेंट आयल से अही के लके कहे छे आर्ट साधना छे एकटा जते साधना करियो जते आहा के जे प्रयास करियो ओते आहा के नीक है तो ओय के लके अय में बहुत डिफरेंट छे जे हमर फर्स्ट पेंटिंग और तेकर बाद में हम ई बनेने रही महिला सशक्तिकरण जे अय में महिला आहा के कम नहीं छे महिला के आवाज जे हरेक क्षेत्र के आदमी जे सुने छे आब आहा के ऑफिशियल हो या मंत्रालय के हो या गांव के हो सब व्यक्ति सब सुने छे ए चीज ए में फोकस केने रही आहा के त ई चीज वुमेन एम्पावरमेंट के हम देखेने रही आ के तेकर बाद में आ के ई देखियो जे ई पेंटिंग जे छे त कनिक ई पेंटिंग हमर डिफरेंट छे ई आहाँ के एक सूर्य देल छे बीच में तेकर बाद में आहाँ के कमल छे कमल के फूल छे आहाँ के आ तेकर बाद में आहाँ के महिला छे चेंज ऑफ वुमेन कहि के हम देने छे ए पेंटिंग के नाम छे आहाँ के चेंज ऑफ वुमेन महिला एक कोमल के तरह छे जे जेना जे कोमल जे कमल होइ छे तेना आ तेकर बाद में आहाँ के ई सूर्य जे देखा रहल छी जे सूर्य जेना प्रकाश दै छे आहाँ के तेना महिला आहाँ के प्रकाश दै छे सृष्टि बढ़ावा के काज करै छे महिला तो ई चीज एहि पेंटिंग में जोड़ल छे और एकठाम बीच में जे देखा रहल छी हम ई महिला घूंघट में छै पर जेना जेना परिवर्तन भेलै तऽ कनिक हल्का शिक्षित भेलै वातावरण सामाजिक परिवेश चेंज भेलै हल्का हुनकर घूंघट हटलै तेकर बाद में कनिक हटलै तेकर बाद में कनिक
शिक्षा में विशेष ध्यान दिला के बाद एहन रूप में अब कुर्ता सलवार पैंट शर्ट लगवे एना कहके चेंज ऑफ वोमेन कहकर हम पेंटिंग अहाँ के बनेने तो चीज पेंटिंग में दर्शाएल गया है। और दोसर पेंटिंग देखियो अर्थात अहाँ देखे हे देखला से दुर्गा लगे अहाँ के पर ए पेंटिंग में किछ फरक है और पेंटिंग पेंटिंग से अपने के कनिक कनिक हमार कनिक फरक रहे जे हम अपने के अगाड़ियों कहने कि हमार और कलाकार से कनिक हमार फरक रहे क्या कि हमरा जे हम संघर्ष झेलने छी जे हमरा महसूस भेल जे हम समाज में देख रहल छी तो हमरा ई लगत रहे कि हम एहन पेंटिंग बनाओ कि वही पेंटिंग से समाज कनिक परिवर्तन आवे वो चीज के समाज देखे तो उनका में चंजपन आवे तो वही लक। और ई जे सेकेंड वाला हम दिखा रहल छी ई दुर्गा के रूप जिकन छै ए बहुत हाथ छै ये हाथ सबसे जे है महिला जे भोरे 4 बजे से लाकर रात 11 बजे तक जे जत्ते काज करे छे महिला उ सब काज छे आहा के महिला के हाथ में अपने सब कनिक नीक से देखबे पेंटिंग के जे आहा के मॉर्निंग से सुत क बारहन लाकर जे बहारे छे जे बर्नी लाकर बहारे छे बर्तन भरा मजला खाना बनेला बच्चा के स्कूल पठेला तेकर बाद में बूढ़ जे घर में सास ससुर छे उनका दवाई बीरो खियाव के माल जाल छे उनका घास काट के देव के तेकर बाद अथार पथार जत्ते छे आहा के वो सब चीज बनायल छे ए पेंटिंग में पर आई के बाहेक अहाँ के महिला के की छे वैल्यू अहाँ के हमरा समाज में आई के मूल्यांकन की महिला के की मूल्यांकन देने छे अहाँ के जब एगो परिवार के एगो फैमिली के बेटा छे बेटी छे अहाँ के जो अभियो के बात हम कह रहल छी यदि इंटर जे 11 क्लास महिलो पढ़ल छे 11 क्लास हुनकर लड़को पढ़ल छे यदि घर से बाहर जाके हुनकर लड़का यदि कतौ जॉब क कऽ यदि 2 रुपया कमा के घर में अबैय तो हुनकर मम्मी हुनकर कनिया दासो दास में रहत कि बौआ के खाना दही बौआ के नाश्ता दही पर जे पुतौ घर में जे भोरे से लकर रात 11 बजे तक लग काज करे छे वही काज के मूल्यांकन नहीं छे हमर समाज देले घर परिवार नहीं देने छे वो चीज आई के पेंटिंग द्वारा हम व्यक्त केने छे यहाँ के जे चीज अभियो छे हमरा समाज में वो चीज के वैल्यू नहीं छे यहाँ के वो चीज छे में एकर बाद में हम आके ई देखा बच्चा जे ई आ के देखे थे वे ई पेंटिंग जे ई पेंटिंग देखला के बाद में बुझाइए ना कि महिला छे एक टा पृथ्वी लेने छे तो वास्तव में ई पृथ्वी के चलबे छे आ के महिला चलबे छे सृष्टि के बढ़बे छे महिला बढ़बे छे यदि महिला नहीं रहते तो सृष्टि नहीं बढ़ते यहाँ के सृष्टि के बढ़ावा के काज महिला करे छे हरेक क्षेत्र में देखियो चाड़ पर पवनी त्योहार से लक हरेक व्रत बंधन से लक बच्चा जन्माव से लक मतलब एक टा घर में महिला नहीं छे तो ऊ घर आहा के नर्क रहे छे स्वर्ग नहीं रहे छे ऊ घर नर्क स्वर्ग महिला बनबे छे घर के तेहना देश संसार आहा के बढ़ावा के काज महिला करे छे तै दुआरे हम ई चीज में फोकस केने छी आ किछ महिला के जे हाथ में जे काज छे ऊ काज हम देखेने छी सेहो कि घर से लक सृष्टि बढ़ावा के काज महिला करे छे वो चीज में देल गेल छे। और अय में जे हम देखावे चाहब जे एकटा बीच के जे देख रहल छी अपने ई हमर सीता माता छथिन सीता बहिन छथिन जे एक हाथ में धनुष लेले छथिन एक हाथे नीप रहल छथिन अहाँ के और ई चीज अहाँ के बाहर में देखियो जे महिला पायलट छे महिला डांसर छे महिला चित्रकार छे महिला टीचर छे ई चीज कैला देल गेल छे पेंटिंग में महिला एहन कोनो काम नहीं छे जे नहीं कर सकैय महिला अवसर मात्र अहाँ के नहीं पाला के कारण से हुनका मात्रे पछाड़ी छे जे हमर समाज घर परिवार हुनका कमजोर बुझे छे अहाँ के आ अवसर नहीं दे छे अवसर से वंचित भेला के कारण छे जेकरा अवसर मिलल छे उ क के देखेने छे अहाँ के एहन कोन ठाव नहीं छे कि महिला नहीं पुगल छे अहाँ के आ कोन चीज छे ने कि महिला नहीं कर सकल छे तै दुआरे ई पेंटिंग देने छे आ बीच में सीता केला देने छे कि सीता एकटा वीरांगना छलखिन जे 7 वर्ष के एज में ओते वीर पुरुष जिन्हें उठावा सकले धनुष वो चीज अहाँ के सीता माता उठेने छलखिन तहिया तो ओ सीता माता के धरती पर हम छी अहाँ के आ हम महिला कमजोर नहीं छी अपना आप के कमजोर बुझ रहल छी तै दुआरे हम सीता से कनिक जोड़ देने छी ओहि ठाव पर।
और में कनिक हम देखा चाह अत अपने देख रहा छे बीच में डोली कहार छे तकर बाद में अत कोना पर देख रहा छे अहाँ के बच्चा के खाना दे रहा छे अहाँ के खाना खुआ रहा छे और नीचा जे छे तो अत अहाँ के जे अत छे प्रेग्नेंट छे अहाँ के बच्चा भेल छे अहाँ के से महिला छे तकर बाद में अत स्कूल पठा रहा छे आ त अहाँ के बियाह भ रहा छे अत कतौ ने कतौ की जोड़ल छे अहाँ के से हम देखाब चाहब अत बच्चा भेलै बच्चा के जन्म देलखिन ओ जन्म देला के बाद में हुनका अहाँ के कनिक नमहर भेलै लालन पालन भेलै तकर बाद में हुनका शादी कऽ देलकै शादी कला के बाद में अहाँ के किछु अत के एत खाना खुबै छथिन स्कूल गेलै बियाह भेलै बियाह भेला के बाद में अपना हस्बैंड के घर चल गेलै ई चीज की छे अहाँ के महिला के जीवन चक्र छै आ अय में कनिक हम शिक्षा के ला जोड़ दिली है कि अभी आके अभी के टाइम में कनिक जे बेटी के शिक्षा तरफ सेहो अहाँ के दे रहल छै जे शिक्षित बना रहल छै तै दुआरे कनिक हम अत अहाँ के सेहो शिक्षा से जोड़ देने छी अहाँ के अय पेंटिंग में जे महिला के की छै अहाँ के चार क्लास पांच क्लास गाँव गाँव में पढ़ायत अहाँ के और SLC से बुझियो कि नीचे अहाँ के आ ओकरा की कहत अहाँ के जे बेटी के अभियो माइक के आवाज सुनने छलिए ओ लड़की अहाँ के लगभग अहाँ के 15 ने करस छै हुनका शादी भ रहल छै अहाँ के लगभग अहाँ के जे हम हुनका हम बाहर छलिए हम एली हुनका रोकबो के लिए ओ कहलखिन हमरा की बोलू से ई पढ़े लिखे नहीं छै तऽ कथी करबै शादी कऽ देबै अब अहाँ बुझियो जे महिले खुद अहाँ के बेटी के बोझ बुझे छै अहाँ के मतलब महिला के जीवन चक्र एना बना देने छै कि बच्चा मतलब बौआ भेलै बौआ अहाँ के 10-11 बरस के भेलै समाज के देखावा के लेल अहाँ के 2-4 क्लास पढ़ा दियो ब्याह करे के लागि तकर बाद में अहाँ के ब्याह करा दियो हस्बैंड के घर के भेलै फेर वही जीवन यापन में जोड़ के देलकै तेना कहके ई पेंटिंग बनल छै आ ई जे गाछ देख रहल छियै जे ई लाइफ ट्री छै अहाँ के जे एगो गाछ के तरह अहाँ के मनुष्य के जीवन छै ओ चीज अहाँ के एहिमे फोकस कयल गेल छै अहाँ के से छै अहाँ के एहिमे देखियो अहाँ के अत अहाँ के बीच में अहाँ के महिला छै महिला अहाँ के पृथ्वी हाथ में लेने छै से छै अहाँ के और अय जे राउंड में जे देख रहल छी अहाँ के जे ओहे चीज छै हम अगाड़ियो कहने छलहुँ कि कनिक हम विशेष महिले के जोड़ कऽ विशेषे शायद पेंटिंग हम बनबै छी तेना हमरा लगैत रहैये अत इहे छै अहाँ के महिला के अहाँ के जन्म तकर बाद में ओकरा केना के लालन पालन करै छै एगो माय और माय कते बड़का बात छै अहाँ के जे मम्मी कहबै तब तो ओ अहाँ के एकटा जे माय रहै छै ओ माय एकटा बच्चा के एगो लड़की के जे खुद अपने हाथ से समाज में अहाँ के फिर ओही चीज में धकेल दै छै जे मानि लिअ ओ खुद अपने बाल विवाह कऽ के अबै छथिन जे खुद पीड़ा भोगै छथिन आ उहे माय फेर बच्चा के जे जन्म दै छथिन फेर ओहने लालन पालन करै छथिन आ फेर 15-16 बरस में ब्याह कऽ के फेर ओही में धकेल दै छथिन ओ चीज देखायल गेल छै आ साइड में देखैत हेबै जे छठि के देने छी आ दीपावली के देने छी से छै ई छठि आ दीपावली जते पवनी त्योहार छै ओ महिले के अहाँ के सौंपल गेल छै जेना हमरा लगैया कियाकि महिला अहाँ के हरेक व्रत में विशेष कऽ कऽ विशेष भूमिका महिला के रहै छै अहाँ के व्रत से लऽ कऽ अहाँ के महिले सतै छठि में छै महिला सतै दीपावली में छै महिला सतै मतलब महिला एना बनायले गेल छै अहाँ के जे सामाजिक एकटा जे परिवेश कहबै एकटा सामाजिक एकटा बंधन कथी कहबै ओकरा ओ चीज से तऽ अहाँ के महिला के जे अपना मनो नहीं रहत एकटा सास ससुर के प्रेस से सामाजिक डर से अहाँ के ओकरा व्रत रह पड़त अहाँ के ओ कहत हमरा बुते नहीं हेतै पर ई बेटा साइला अहाँ नहीं रहबै अहाँ के व्रत अय दुआरे और बैस के अहाँ के रह पड़े छै तऽ एकटा सामाजिक सेहो अहाँ के बात छै ओ चीज जुड़ल छै आ साइड में अहाँ देखियो अहाँ के ई साइड में जे सेहो देने छी इम्पावर छै अहाँ के महिला अहाँ के सेहो अहाँ के जे महिला शिक्षित भेला के कारण से अहाँ के ई हरेक अहाँ के अपना एकटा अपना रोजाय अपना किस्म के जिंदगी जी सकैया ओ चीज अहाँ के देल गेल छै तकर बाद में अहाँ के अय जगह पर जे कनिक हम अय ये पेंटिंग में की जोड़ब अहाँ के
जे ई पेंटिंग जे जे छै से शुरू में आ एकटा प्रेग्नेंट महिला छै आके और प्रेग्नेंट महिला छै तेकर बाद में आके ई केना छै महिला के जे लाइफ साइकिल जे होय छै एकटा जे बच्चा भेनौ तेकर बाद में आके हम फेन जेना हमर दादी छथिन फेन हमरा ओही अवस्था में पुगा के छै से कह के ई पेंटिंग बनायल छै आके जे हम केकरो बेटी छी केकरो हम पुतौ भेली केकरो घरवाली भेली फेन हम केकरो माय भेली आ फेन केकरो हम दादी भेली तेहने क के एगो लाइफ साइकिल जे कहै छै ने उ छै महिला के तेना क के ई बनायल गेल छै अहाँ के उ चीज छै। और एहि साइड में जे हम देखेने छियै जे एत देखैत हेबै जे ओकर अगा बैकग्राउंड में जे क्लिनिक के छे आके जे डॉक्टर के आके उ छे जे महिला ए में की छे आके महिला एते पावरफुल छे जे आज के दिन में जे मनुष्य के जान बचाव के काज करे छे महिला महिला हम अगारे कहने छलिए कि महिला एते पावरफुल छे मतलब एते सशक्त छे महिला एते आहा के अगारी छे महिला महिला अवसर से वंचित छे न त महिला की नहीं कह सकिया उही एकटा हमरा डॉक्टरे के ऑर्डर छल त हम ई चीज बनेने छलिए आहा के सी हम अपने सब के बीच में रखनौ एकर बाद में आहा के ई पेंटिंग छे आके जे अत देखियो आके ई की छे आके बीच में आके देखे थे एगो माय छे आ बच्चा छे आके और ओता प्रेग्नेंट छे आके बच्चा भेल छे आके से देखाल गेल छे बीच में और हुनका जे प्रेग्नेंट जे बच्चा भेला के कारण भी जे यदि उ घरे एले पहले तो अत देखियो कि आहा के उ शादी भ गेले शादी भेला के बाद में एले त आहा के बच्चा भेले ओकरा बच्चा भेला के बाद में एले तो उ हॉस्पिटल गेले हॉस्पिटल से एला के बाद में ओकरा बच्चा छै पर तैयो किछ आके हमरा समाज में जे ओकरा रेस्ट के व्यवस्था होबा के चाहिए सुविधा मिल के चाहिए कनिक ओकरा हेरचाक कर के चाहिए पर किछ ने ओकरा की बुझे छे कि जे पुतौ होय छे जे महिला होय छे ने त एकटा उ सब केहन बुझे छे कि ओ ओकर व्यथा कथा ओकरा एगो महिले महिला नै महसूस क सकिए तेहन चीज आहा के एमे देल गेल छे जे महिला महिला के नै बुझ सके जे एगो महिला जे बच्चा जन्मावे काल में जे जखुनती जे कते पीड़ा होय छे दुख होय छे कते उवेदना से व्याकुल रहे छे आ ओहन महिला सब जे ओइ से उबर के जे घर आबे छे त ओकरा जे हमरा सपोर्ट चाही सहयोग चाही रेस्ट चाही जे माया से ने चाही प्रेम चाही ओ चीज छोड़ के ओकरा काम में लगा दे छे आके अभियो ओ चीज छे ओ चीज देखबा के मिले छे आके ओ चीज ए में देखा जरा देखियो ओकरा काम करला पठबै छे ओकरा बर्तन समझबबै छे आके एहन चीज सब आके अभियो समाज में छे चीज द्वारा अहाँ के समाज में ई देखेला के बाद में जे उनका सब के हम जे देखियो अ कारण से एना एना पीड़ा होय छे से कह के ओकरा जे मैसेज अहाँ के देवे के काज करे छे से छे अहाँ के और इहे त भ गेल उहे छे। हाँ एकटा ई पेंटिंग देखा ई ब्रीफिंग भ गेल छे ई देखायब अहाँ के ई पेंटिंग जे देख रहल छे एकटा महिला छे आ दुर्गा लक्ष्मी काली आ सरस्वती छे अहाँ के बनल ई पेंटिंग हम अपने के भ्रिकुटी मंडप में लाइव पेंटिंग बनल है हमरा वही से अहाँ के 30,000 में जे एगो तुरंते के तुरंते अहाँ के ल गेलखिन शायद ओ जापाने के रहता वो जे ओई टाइम में बहुत आर्टिस्ट सब सहभागी रहे ये हमर दू दिन के लाइव रहे शायद ओई लाइव में ई पेंटिंग हम बनेने रही ई पेंटिंग लाइव वाला पेंटिंग हमर अछि जे नारी यदि चाहे महिला चाहे तो यदि जेना फूल जिकन कोमल छै तेना अहाँ के वीरांगना से होती अहाँ के काली लक्ष्मी सरस्वती सेहो भ सकैए अहाँ के तो अइ के ल क अपन बल मात्रे प्रयोग नहीं करे छे अहाँ के यदि अपना पर उतरते तो हर चीज संभव क सकिए उ चीज हम एमे फोकस केने रही एकटा मयूर आई में देल छे सूर्य चंद्र देल छे तो सूर्य अहाँ के चंद्र एगो शांति के प्रतीक आ सूर्य एगो क्रांति के प्रतीक अहाँ के हमर एकटा ओई टाइम के सोच रहे कि एहन महिला के रूप सेहो भ सकैए ओ चीज हम एमे दर्शेने रही अहाँ के तकर बाद में अहाँ के भ गेल ई देखियो ई हम तुरंते फेसबुक पर अपलोड केने रही अहाँ के जे एहि पर बहुत अहाँ के अमेरिका में रहल आदमी जे वार्ड पेला अहाँ के
जे ए बड़ा बड़का स्टोरी छे जे हमरा ऐसे एक बारे में कहने पड़त अहाँ के हम बहुते ब्रीफिंग आई के द चुकल छी जे अच्छा के एक ई हमर 2012 के एनपीसी अवार्ड वाला पिक्चर से तहिया के छे बहुत पुरान छे ई कनिक मैं अब गेल छे अहाँ के और ई आए के हम रही तैया केयर नेपाल से हम एते महिला सब उद्यमी हाथ हरु जे छे एते महिला सब हम ओइसे सम्मानित भेल ल यहाँ के अल नेपाल से सिलेक्ट भ के ओमे मिथिला चित्र कर्ता में जे हम रही अहाँ के विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न अथि से लेले रहता तो उ सब अभियान में ओने कह के ई हमर अवार्ड सब के अपने के भ गेल हाँ नहीं नहीं और नहीं सच है और हम अत जोड़ब आब हम भगवान पर जोड़ चाहब ई कृष्णा राधा छे कृष्णा राधा के प्रेम के प्रतीक बनल छे जे हुनकर प्रेम के बहुत चर्चा होय छे कृष्णा राधा के वो चीज बनल छे आ ई ई चीज के किया एहन सीन बनेले कि अपना समाज में जे एक अर का प्रति जे प्रेम के भावना छे जे बहुत गलत तरीका से लेल जाय छे के तै दुआरे कि प्रेम में श्रद्धा होबे के चाही प्रेम सबके संगे होबे के चाही प्रेम एहन चीज छे जे मम्मी पापा जे साथी भाई समाज सब संगे आ के ओहन प्रेम प्रेम जे एकटा कृष्ण द्वारा जे एगो जे प्रस्तुत कैल गेल छे जे देखाल गेल छे ओकरा निगेटिव नहीं ल कऽ पॉजिटिव हम सब देखी तो ओइ से बनल छे साइड में राम सीता के छे ई जे पान खुआबे टाइम के छे अहाँ के राम और सीता के ओ चीज बनल छे आ ई सीन अपने के जे हमरा जानकी मंदिर के राम रोशन दास जे बाबा छथिन उनका जे किताब से हम ई चीज हम अथी क के लेने रही और वही से हम बनेने छी पेंटिंग हम जे एक टाइम में हुनका से बातचीत भेल रहे एहि दौरान तो हम ओ चीज सोच के अहाँ के ई पेंटिंग बनल गेल से अहाँ के तो ई सीन छे अहाँ के और हम ई जोड़ चाहब अपने के ई हमर कनिक लॉकडाउन के पेंटिंग सब अच्छा जे लॉकडाउन में जब हम घर में रही और घर में जे हमरा सबके अचानक लॉकडाउन भेला के कारण से एगो मिथिला आर्टिस्ट और देश पर और जते व्यक्ति ओना तो सब क्षेत्र में अहाँ के बहुत ज्यादा तनाव बहुत ज्यादा क्षति भेल पर अइमे अइ दौरान में कते अहाँ केकर भूमिका केहन रहल और की अहाँ के घटना घटना सब वो चीज पर फोकस कर के हम बनेने रही पेंटिंग जे ये पेंटिंग अहाँ के कोविड वाला जे हम फर्स्ट वाला हम पहले कहे छी ई अहाँ के प्रहरी छे और ई प्रहरी अहाँ के दूटा हाथ देख रहल छी और अत कोरोना सब आक्रमण केने छे ओहि टाइम में प्रहरी के हम किया बनेने रही जे जे टाइम में अपन जान के परवाह नहीं कह के प्रहरी सब और उ सब हमरा समाज के लागी जनता के लागी उ सब जे अपन घर परिवार के जे सेहो नहीं ख्याल कह के उ सब हमरा देश के लागी हमरा समाज के लागी जान जीव से अहाँ के अपन जान के नहीं परवाह कह के लागल रहता वही के लक हम पेंटिंग बनेने रही और दोसर में अपने देख रहा छे जे ई पृथ्वी छे आई पृथ्वी पर आई संसारे पर विश्व पर आक्रमण कोरोना केने छे और आई के अहाँ के सुरक्षा के लागी अहाँ के हरेक मनुष्य के तै टाइम में मास्क एकदम अनिवार्य जे मास्क ये देखाल गेल छे अहाँ के जे मास्क हम सब लगाए और ऊपर देख रहा छे जे हमरा नेपाल जे यदि नेपाल हमरा बचाव के अच्छे जे हम संसार तो कहबे केलो और ई जे महिला छे एकटा जे हमरा नेपाल जे झंडा लेने छे उ नेपाल फोकस कर रहल छे जे हमरा आई के बचाव के अच्छे तो हम सब मास्क प्रयोग करी किया कि जे हमरा सबके जे एक दोसर से सौरा वाला ई चीज रहे जे हम साथी साथी के भेटे छी तो एक दोसर के अहाँ के ई चीज अहाँ के शरीर के दोसर में जा सके एक से दोसर तेसर तै दुआरे ई चीज अहाँ के हम दर्शेने रही आ नीचा जे छे त नीचा अहाँ के जे अत रहे अहाँ के
जे हम सब मास्क प्रयोग करी, हाथ नहीं मिलाई, गोर लागी, तेकर बाद में हैंड वॉश करी, तो ये चीज सब अहाँ के में बनेने रही ते टाइम में लॉकडाउन में जे प्रेजेंट जे घटना घट रहा है ते टाइम में वो चीज हम फोकस केने रही। तेकर बाद में अय में तो हमरा बहुत ज्यादा कमेंट सब आयल है और बहुत बधाई से वो हम लेने रही। और अत जे ये देख रहा छे अहाँ के पूरा ई पेंटिंग देख रहा छे जे नेपाल लिखल छे और अत रोड सब रोड के सीन देल गेल छे, अत मास्क छे, अत वैक्सीन छे अहाँ के, अत पत्रकार सब छे अहाँ के, अत दीप छे अहाँ के, जे बीच में अहाँ के मोदी सेहो अहाँ के और नेपाल से सेहो एक बेर दीप पर ज्वलन के लागी दीप जलावक लागी कहले रहता वही के लग दीप अहाँ के देल गेल छे। और किया कि सब मनुष्य तनाव में रह गेल है अहाँ के तै के लग दीप एगो एकृत जे दिमाग जे कहे छे ने कमती में सबके दिमाग ओई तरफ हेतै कहि क तै के लक अहाँ के दीप अहाँ के जे हमर गवर्नमेंट जे सेहो अलाउड केने रहे जलावक लागि। और एक कोरोना के वायरस आक्रमण कर रहल छे, आक्रमण के वायरस से बचा के लागि मास्क प्रयोग करक चाहिए, वैक्सीन सब रहे अहाँ के। तेकर बाद में अहाँ के अत देख रहा छे चंद्र और सूर्य देख रहा छे, अत अहाँ के डॉक्टर छे जे पृथ्वी के जे संसार के बचाव के काज कर रहा छे। और अत जे एक महिला देख रहा छे जे लॉकडाउन छे अहाँ के नेपाल लॉकडाउन में छे, अत एक महिला देख रहा छे वो अहाँ के पृथ्वी के पकड़ने छे अहाँ के कि जो ई की अहाँ के फोकस जे हम मनुष्य सब आदमी जे आई के दौरान में यदि सबके एक विचार रहते तो आई के आई वायरस के जीत सके छी वो चीज। और पत्रकार आई टाइम में आई वायरस के आई कोरोना के न्यूज अहाँ के अपन जान के परवाह नहीं करके पत्र पत्रिका में पत्रकार सबसे अहाँ के आई में जान जीव से अहाँ के लागल है से चीज बनाएल गेल छै। और अत हम देखा अपने के अत ये देखा वही के होल के चीज अहाँ के चीज देखने छे देने छे जे अत देख रहा छे अहाँ के जे सबके जोड़ के बनेलो अत ये पृथ्वी छे जे अत अहाँ के सब तरह से आक्रमण छे अभियो छत्तीस सब कतौ कतौ अभियो छे विदेश सब में सेहो छे अभियो वन जे अभी इंटरनेशनल फ्लाइट सब नहीं छे अहाँ के ट्रेन सब नहीं छे अहाँ के चल रहा छे तो ये घर छे अहाँ के। और एत देख रहा छे जे मास्क लगेने छे अहाँ के जे हरेक घर हरेक मनुष्य के अभियो जरूरत छे जे मास्क लगा के घर से बाहर निकल के चाहिए। और सोशल जे दूरी होई छे से आहा के अत बनाव के चाहिए से देखाल गेल छे। और अत जे देख रहल छे हैंड वॉश करे के चाहिए, हाथ नहीं मिलावे के चाहिए, नमस्ते करे के चाहिए, मास्क लगावे के चाहिए, जे अभी नया में वैक्सीन जे चलल छे ओ वैक्सीन से लेवे के चाहिए वो चीज आहा के बनाएल गेल छे। ई की छे आहा के स्वास्थ्य जे स्वस्थ रहू और स्वस्थ रहब तभी अहाँ के काज में और जीवन यापन अहाँ के अगाड़ी बढ़त और समाज और देश विकास हेत वो चीज बनाएल गेल छे अहाँ के। और कनिक ई चीज अहाँ के की छे ई जे देखे छियै आब ई कनिक फेर महिला पर चलि आयल, ई हमर बहुत ज्यादा जे हमरा बुझू कि हमरा बहुत कनाया ओहि टाइम में जे हम न्यूज देखी अहाँ के जे अचानक लॉकडाउन भऽ गेलै जे जतय दीदी बहिन सब रहे ओतय अहाँ के लॉक भऽ गेलै कते अपना नहिरा कते ससुरा कते साथी भाई के घरे ओहि टाइम में अहाँ के की भेलै अहाँ के जे प्रेग्नेंट महिला सब रहे खास कऽ के प्रेग्नेंट महिला सब रहे तऽ ओ महिला सब की भेलै अहाँ के जे ओकरा व्यथा लागल छे एम्बुलेंस के फोन करे एम्बुलेंसो नहीं जाए अहाँ के यहाँ तक कि घर फैमिली भी ओकरा देह में टच नहीं करे अहाँ के एहन अवस्था आबि गेल है अहाँ के जे केहनो परिस्थिति में एम्बुलेंस आबै छे पर ओहि टाइम में अहाँ के एहन भऽ गेलै कि एम्बुलेंसो अहाँ के फोन नहीं उठावे डर से नहीं आवे मनुष्य मनुष्य से बात करे के छोड़ देने रहे अहाँ के तै टाइम में प्रेग्नेंट महिला सबके स्थिति परिस्थिति अहाँ के नाजुक एते मतलब घटना ओहि टाइम में जे माय के बच्चा के जान तकला अहाँ के ओहि टाइम में बहुत ज्यादा अहाँ के गेल रहे अहाँ के बहुत क्षति भेल रहे अहाँ के बच्चा तकला ओ चीज अहाँ के देखायल छे अत जे प्रेग्नेंट पेट में बच्चा छे ओकरा व्यथा लागल छे पर सहाय नहीं कोई छे सहायता नहीं करे वाला छे।
और ओकर बाद हम अत चले जे अहाँ के कतौ लॉकडाउन में फसल से अहाँ के आप कते दिन तक रहते दोसर के घरे घरे तो आब पड़ल कतौ ने सपोर्ट से ने गाड़ी के घोड़ा के नहीं कतौ से सहयोग मिल रहा है रास्ता में यदि डिलीवरी भ गए ओ टाइम में नहीं कोनो गाड़ी घोड़ा वाला सपोर्ट करे वाला रहे अहाँ के बच्चा है ब्लीडिंग भ रहा है अहाँ के आदमी देख रहा है मुँह देख रहा है पर अहाँ के कोई ओकरा सपोर्ट नहीं कर एक घोट पानी तक नहीं देवे एहन स्थिति परिस्थिति रहे वो चीज अहाँ के बनाएल रहे वही स्थिति में देखियो बच्चा के कोरा में धैले से ब्लड से लटपथ से अहाँ के तैयो भारी बोकले से अहाँ के और बीच में बनाएल गेल से अहाँ के गरीबी जिंदगी जे ओई टाइम में भुखमरी तकला अहाँ के भ गेल छलै जे अहाँ के जे दैनिक जे काज करे वाला जेना रिक्शा चलावे वाला जे कतौ फैक्ट्री में काम करे वाला फैक्ट्री बंद भ गेलै ओहन टाइम में अहाँ के धौ धौ पड़े घर चलावे के लागे जेना हमरे चित्रकार सब हम कहनौ ना अहाँ के हम 5 आदमी के प्लस के लिए अहाँ के लॉकडाउन में हमरा बराबर फोन क के जब हम वॉल पेंटिंग करत रही विराटनगर तो विराटनगर तो हमरा कते आदमी फोन करे दीदी हमरा काम दिया ना हमर अहाँ के चुल्ही बंद भ गेल मतलब एते अहाँ के इमेज हम ओ पल अहाँ के सोचब नहीं तो हमरा अपनो कनात रहिए कि हम दीदी हमरा ने एते दिन तरकारी खेला भ गेल हम ओई टाइम में ओई दीदी बहन सब के अहाँ के हम जे हम वॉल पेंटिंग करे ला लगे रही तो कते आर्टिस्ट सब हमरा सेहो विरोध केला कि हमरा आर्टिस्ट सब के लगे पर दीदी हम उ सोच के नहि हम हुनका सबके सहयोग के दृष्टिकोण से लगे रही हम तो ई चीज अहाँ के बनल छै अत अहाँ के तंगैर रहल छै अहाँ बच्चा सब खाए के लागि मांग रहल छै ओ चीज अहाँ के बनाएल गेल छै हम दर्शने छलिए अहाँ के तकर बाद में अहाँ के किछ हम ऐसे पहिने के हम देखा भी पेंटिंग सब ई पेंटिंग हम अगारियो कहने रही किछ हमर अपन थीम अपन अपन सोच किछ हमर फरक रहे जे नेपाल में जै टाइम में अहाँ के कनिक हिंदू और मुस्लिम के बात सब चले अहाँ के जाति बात चले अहाँ के ओ टाइम में अहाँ के हमरा बड़ी केना ने केना लागे कि जे हम अ समाज में छी पर कैला मुस्लिम कैला हिंदू जे होय ना धर्म धर्म के बात सब होय तो जब हम एगो नेपाली नेपाल के छी नेपाली छी तो हम एक ठाव के छी तो हम किया अहाँ के अपने अपने में लड़ाई कर रहल छी तो वो चीज अहाँ के नेपाल के ना फ्लैग छे झंडा छे देल और अत देखियो अहाँ के मस्जिद छे अत से देखियो अत और अत जे छे त अपना सब के होली दिवाली सब छे अत ईद मनबै छे नीचा अत होली दिवाली छठ तो मतलब ई फोकस के लिए में कि ई नेपाल छे नेपाले भीतर में छे हम एक देश के छी एक प्रदेश के छी तो हम सब किया अहाँ के ओहन सोच केला राखब आखिर में 9 महीना पेट में रही का ओहो ओहने का के हुनकर मम्मी जन्म देने हता हमरो सब के मम्मी ओहने का के जन्म देने छे ओहो सब ओहे खाय छे हमहु सब ओहे खाय छी तो जाति त भगवान नै बनेने छे छुटियेने छे अत के आदमी विशेष के अत जे 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 काम पकड़ेल के ओना का के मतलब हमर सोचाय ओहि किसिम से हम बनेने होए कि अइमे जे जाति नै होबा के चाही जे हम नेपाली छी बस एगो एक नेपाली छी ई बुझा के चाही से चीज करके हमें फोकस केने छी और अत देख रहल छी हम कनिक एमे ई देने छी जे सूर्य देखे छी अत से प्रकाश निकलल छी अहाँ के और ई नेपाल के झंडा छै राष्ट्रीय चिन्ह सब छै ई तो ई राष्ट्रीय चिन्ह सब छै आई प्रकाश छै हमर नेपाल जे नेपाल जे छे तो ई प्रकाश के तरह अहाँ के जेना जे रंगी बिरंगी प्रकाश छे ने ओहन छे हमर नेपाल सुंदर स्वच्छ जे कहै छे ने ओ छे अहाँ के तै दुआरे कनिक हम ई प्रकाश सब के प्रयोग केने छी एहिमे और हमर राष्ट्रीय चिन्ह सब छे मिथिला आर्ट में कनिक हम एकरा निका जे कनिक ऑफिस सब में लगावे के लागे हम ई चीज ई हम 16 एग्जीबिशन हम केने रही समथिंग 17 में शायद 17 में हम ही बनेने रही अहाँ के हमारे तहिया के पेंटिंग है और ओहने कह के अहाँ के इो देखबे इो पेंटिंग हमार ओहने कह के छे ई पेंटिंग में देखबे कनिक पहाड़ छे बनल और झरना छे जे हमार प्राकृतिक से जुड़ल जे प्राकृतिक सौंदर्य नेपाल के कहे छे ओ चीज देने छी बैकग्राउंड में और ए फ्लैग में से जे सूर्य चंद्र छे सूर्य चंद्र हमार महान और से कह के कहे छे और अइ में जे जे छे तो अइ में पूरा फेस्टिवल से हमरा जे छठ पर्व दीपावली जे होली
दिवाली सब अमे फ्लैग में से क्या कि हम पहले की सुनने छलिए जे कनिक हम अपन साथी सब से जे हिमाल पहाड़ तराई छे ने तीन भाग तीन में छे तो तराई के मात्रे मिथिला पेंटिंग छे पहाड़ हिमाल के नहीं छे कहीं का तो आई के लग हम ये दर्शेने छे कि ये चंद्र ये सूर्य आखिर में तो सूर्य चंद्र तो सब सबे के छे आके ये आके फरक नहीं छे तो आई लग ये जेना जे दीपावली तो दीपावली पहाड़ों में मनवे छे तराइयों में मनवे छे महादेव तेकर बाद में आके कृष्णा राधा सब मनवे छे आके दू नहीं छे आके तराई हिमाल पहाड़ ये मिथिला आर्ट आके सबके छे कहीं का हम ये फोकस कर चाहने छे ऑल नेपाल के फोकस कर चाहने छे इस चीज से और एमे हम जाए विलेज सीन छे कनेक विलेज सीन हम जोड़ब जे अपन ग्रामीण परिवेश छे अपन गाँव घर के सीन छे एगो जे हरा रहल छे इनार कुआ जे अपना सबके जे भैंसी जे मटका पानी जे भरे छले घैला से सब छे वो चीज सब आ कने के अमे नीचा जे देख रहा छे इहो चेंज ऑफ ओमेन कह के बनल छे जे घूंघट कनेक चेंज भेले त हटैत गेले वो चीज छे और ई देखाब अहाँके ई छे अहाँके ई दुनू के देखे छी आ बातचीत कर रहल छी की छे अहाँके पहले के महिला सब अहाँके कनिक की करे छले या कि घर में महिला संगे बातो नहीं कर दे छले या खुद ननदो सब से ना पड़ोसिया अरोसिया से ना त महिला सब से की करे छले या कि पानी लेवा के ठाव रहे छले पोखरी तेकर बाद में ओई जगह पर जाए छले या पानी लेवा ने तो ओई जगह पर आके कनिया कनिया मिल के बतिया ले छले अपन मन के जे व्यथा कथा छले से ओ त आके प्रकट करे छले उ सब उ चीज आके बनल छे एमे आके आई प्राकृतिक झलकेने छे ई जे देखे छिए त ओने मटका के सीन छे ओए सेम मैसेज एमे छे ई आके जापान में हम बनेने रही आके ओने लाइव एकटा साथी कने रहे ओथी के जे हमरा एहन सीन चाही त हम ओहन का बना के देखेने रहिए ओ छे बनल ई छे कनिक जे ई बनल से आके सिंबल ऑफ गुड लक तेकर बाद में नेचर जे हम कहलिए कि तुरंत हम सोलर एग्जिबिशन खत्म के लिए ओय पर अहाँके कनिक प्रकृति पर बनल से ई पेंटिंग और ई जे देखबे कनिक आई में हमर कनिक फरक सोच है जे जल भूमि आ वायु ए पेंटिंग के तीन भाग में बढ़ने छे जे जल में जल प्राणी छे भूमि में मनुष्य छे आ वायु में ई छे जे जल के प्राणी और भूमि के और वायु के जे ई तीनों फोकस कि कौन कौन प्राणी और कोना का के जीवन यापन बितवे छे वो चीज आके एमे देल गेल छे आई पेंटिंग में फोकस केल गेल छे आगे यो आके प्राकृतिक में बनल छे आके जे जनावर सब आके कतौ रहे छे तो सांझ खुनी अपन वास स्थान में अबे छे वो चीज से फोकस केल गेल और ई छे आके सीता के जन्म छे जे सीता सीता जखनी जे जनक जी जे टाइम में जे पानी नहीं होए बरसा जे जर्जर जमीन रहे ओ टाइम में जब जे सीता जनक जी गेलखिन हर लगावलखिन कि सीता जे जन जे एकटा घैला में पॉट में रहथिन जमीन भीतर वो चीज देखाएल गेल छे सीता के जन्म जे भेल छे वो चीज है त वर्षा भेल छे जे पात पतिंगर सुखल छे से त फोकस केल छे से देखियो और जभिए जे सीता के जन्म जे भेल है तभिए अहाँ के वर्षा भेल छे वो चीज में फोकस केल गेल छे और अत अहाँ के संगीत के संगीत के अहाँ के छे अहाँ के मीरा बनेने छे मीरा में की छे अहाँ के जे संगीत एहन चीज छे कि हरेक प्राणी झूम जाए छे अहाँ के तो वो चीज जाए के दिल से जनावर से लाकर सांप बिच्छू मनुष्य सब तो ई चीज आके दिल गेल छे और ऊपर कर दो ई छे कनिक कनिक हमाई में ई जोरा नाम कर दे करा हाँ ई कनिक एमे जोड़ब जे पहिने कनिक हमरा ई लागल कि नेपाल प्राकृतिक से भरल छे हमर हिमाल पहाड़ से तो कनिक मिथिला आर्ट में एकरा ढाल के कोशिश कलियौ प्रयास हमर पहिल बेर के एहन तो ई चीज अहाँके हम बनेने छी और ई बहुत फेमस भेलै पेंटिंग और ई पहाड़ पर बनल छे नेचर पर बनल छे पेंटिंग सब एहने क के डुबित कल के उगल सूर्य के
और आके दिन रात के बनेने छे चंद्र सूर्य जे दिन और रात आ नीचा मछली छे आके ई केला बनेने छे कि मनुष्य के जीवन एहने के बीते छे दिन और रात जे रात होय छे त आदमी रेस्ट के और दिन होय छे त काम के शुरुआत तो वो चीज आके फोकस कल गेल छे और ई कनिक ई पेंटिंग सब हमार कनिक जापान के ऑर्डर वाला है ई पेंटिंग की छे यहाँ के फ्लावर में कनिक हमरा ई लागल है कि उ सब कला के जापान में कनिक छोट घर सब होय छे तो उ सब कला के हमरा 1/4 साइज में और फ्लावर में जे बहुते कथा व्यथा सब सुन ली आई कनिक मन प्रसंग होय आ कनिक वो आह कहे दिमाग अति मन आह कहे तेहन किस्म के बना वाला तो हम कनिक रंग बिरंग के फ्लावर सब बनेने छी अहाँके जना सनफ्लावर सब सनफ्लावर जापान में मैडम अहाँके तो जानकारी हेबे करत सनफ्लावर बहुत ज्यादा वो तो लाइक करे छे तो ई सनफ्लावर देल गेल छे बनायल गेल छे अगर कर दे कनिक फरक फरक से छे ई सब अब हम लास्ट लास्ट में छी और अब ई कनिक अत कनिक महिला के जोड़ देने छे जे केना के फ्लावर फ्लावर देख के मोहित छथिन वो जोड़ देने छे ई एलिफेंट से वो हाथी छे से हो और ये हमर गैलरी है ये गैलरी के सीन छे आके एमे आ के चला अगर ये सब लॉकडाउन में बनेने रही से पेंटिंग सब के से और ये कनिक बात करता हाँ ये कनिक हम त और आ के दिखाएब हम जे ये पेंटिंग सब छे ये कप सब छे जे जापान में वही ऑर्डर आयल है हमरा 12 पीस के तो 12 पीस हम बनेने छी आई छोट छोट कैनवास देख रहल छी अपने तो ई की होय छे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज केला के बाद में अपने के ओत किछ ऑर्डर आबै छे तो उ सब जेहन थीम पर ओहने थीम में ओहने साइज में बनावे पड़े छे आ कैनवास वह सब दिले रहता खाली हम पेंटिंग बना देने रही से बनल छे आके जना एहन ट्रे सब से हो बने छे आके तो ई सब छे तगारी बरा और थैंक यू कह चाहब हमर जे कनेक्ट और ये हम लास्ट में सॉरी हाँ ई छे हमर टी कोस्टर सब छे ई टी कोस्टर भेल अपने के ई केतली के वर्क भेल हमर जे ई केतली पर सेहो हम काज करे छे और ई केतली टी कोस्टर बिगड़ता एने कप सब पर छे आके मोबाइल कवर सब टी शर्ट कुर्ता ये सब अहाँ के छे फाइल सब अगाड़ी बढ़ाऊ एहन मोबाइल कवर सब सेहो काज करै छी मोबाइल कवर सब पर एहन बैग साड़ी सब सेहो छे मास्क सब छे अहाँके ई मास्क सब सेहो अहाँके बहुत बढ़िया रहल जे एहन मास्क सब अभी बनै छै अभी बराबर गैलरी सब में ई मास्क सब बनै छै बहुत डिमांड छै मास्क सब के तो एहन कप सब के सेट छै एहन चूड़ी सब सेहो बने छे अहाँके अपने के और ई कनिक रुको ई छे मैडम कनिक ई देखियो अपने सब ई जे देख रहल छियै डबल मछली छे ई डबल मछली ई जापान में रही तो एक आदमी हमरा पत्थर देने रहे सीमेंट के जे ईटा जे कहबै सीमेंट के ईटा पर बनल छे ई मछली और हमरा कला उ सब कहलखिन कि सुने ना जे अहाँ तो पेपर में बनेनौ जे वाल में बनेनौ पर हमरा ई ईटा में चाही तो हमरा ईटा में चाही पेंटिंग तो हम ओत हुनका सबके ई ईटा में बना के देने छी पेंटिंग और ई ईटा के ऑर्डर हमरा बहुत ज्यादा लॉकडाउन नहीं रहते तो हम तो ओत जाइए के बनेतौ तो हम जाय बहुत जल्दी अहाँ के जा रहा छी तो ई ईटा पर काज के सब एगो हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल में बुझू कि एगो वाले अहाँ के पेंटिंग ईटा के बनल लागत अहाँ के से हम अपने सबके जानकारी दी ई बनल छे अहाँ के और ई हमर रुमाले मास्क छे अहाँ के रुमाले मास्क सब पर सेहो काज होइए
और ई सब जे देखा रहल छी ओना प्लास्टिक में ओते आप देखाय छै कि नै, ई हमर जापानीज जे जापान में जे पोस्ट कार्ड अछि, तकर बाद में टोकन ऑफ लव अछि, रुमाल सब अछि, ई सब में बनल छै जे ओहि ठाम हमर एहन हमर ब्रांडेड हमर नाम के ब्रांडेड भऽ कऽ अहाँके ई सब अहाँके सेलिंग भऽ रहल छै अभी ओतऽ। मैग्नेट सब छै, मैग्नेट सब सेहो छै अहाँके, मैग्नेट सब, फाइल सब, ई सब अहाँके। तऽ सबके थैंक यू। आब हमर ई डिस्प्ले खत्म भेल, आब हम चाहै छी किनको किछु पूछऽ के अछि तऽ एकरा बंद करू। तऽ जी सुनैना जी, अपने स्क्रीन पर आप जाओ तो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जी जी हम आप तो सुनैना जी बहुत बहुत धन्यवाद एक कार्यक्रम में जे अहां जे विजुअल डिस्प्ले देलिए ओय में ओकर समरी हम दर्शक के जे अहां के ऑन एंड ऑफ छलखिन हुनका ई देब चाहब कि मिथिला के बेटी सीता, सीता के रूप हर एक नारी में अहां पानि पी लिय सुनैना जी, अहां अनवरत एक घंटा से बाजि रहल छी, प्लीज पानी पानि पी लिय। और सीता के रूप हर नारी में, और नारी जे छै ओकर हाथ में अहां के कुची छै, रंग छै, और अहां ओय से एक्सप्रेस करै छी। और हम ई कहब कि प्रिजर्वेशन के संग अहां सेलिब्रेटो करै छियै मिथिला आर्ट के, मिथिला आर्ट के प्रिजर्वेशन के संग ओकर सेलिब्रेट करै पड़ै छै, ओकर पाछू जे थीम छै ओकरा बुझ कऽ ओकरा आत्मसात कऽ कऽ ओकरा ग्रहण कऽ कऽ तखन जे फीलिंग अबै छै ओ सेलिब्रेशन ऑफ द मिथिला आर्ट छै, जे अहाँ सब जेहन माजल कलाकार कऽ सकै छी। तऽ हमरा बहुत नीक लागल अहाँके सबटा प्रस्तुति। हमरा एकटा हमरे से प्रश्न यऽ, ओकर बाद फेर दर्शक वृन्द से पूछबै। हमर क्वेश्चन यऽ कि गाछ तऽ एके जेहन सब बनबै छै मिथिला आर्ट में, चाहे सुनैना जी बनेथिन, चाहे रंजू जी या मिथिला दीदी, या फिर कृष्ण के चेहरा एके जेहन ऑलमोस्ट बने छे, माछो एके जेहन, पातो एके जेहन, हिरनो एके जेहन बने छे, ते मिथिला सॉरी सुनैना जी के आर्ट के की पहचान छे, की कोन रूपेन अहां भिन्न हेबे, चूंकि ई बड़ा हमर सब जेहन के जे मिथिला आर्ट नहीं जने ये ओ डिफरेंशिएट कोना करते, अगर आर्टिस्ट अपन नाम नहीं लिखने छे कोनो पेंटिंग में, तो ओकर कोनो एहन ट्रेट छै, एहन कोनो खासियत छै जे अहाँके भिन्न करैए, से हम जानऽ चाहब कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट फर्क कोना होइ छै। हाउ वुड यू मेक योर आर्ट सुनैनाज आर्ट अदर देन पुटिंग नाम के अलावा, हम अहाँके अहाँके पहचान के विषय में बात करब। सुनैना जी अहाँ म्यूट पर छी, अनम्यूट कऽ के बजियो। ओके, सब आर्टिस्ट के जेना जे कृष्ण राधा बनेता, चाहे राम सीता, चाहे गाछ बनेते, चाहे कोनो कोनो चिड़ै चुनमुन सब बनेता, तो ई हैंडवर्क छै, फ्री हैंडवर्क। तो फ्री हैंडवर्क में सबके आर्ट फरक होइ छै मैडम। कि छै अहाँके जब जे गाछे बनेते तो ओकर पात देबऽ के तरीका छै, पात तऽ देते पर किछ अहाँके किछु ने किछु फर्क भऽ जाइ छै। जेना हम ही अभी हम कृष्ण राधा जे कोरबै, जे चीज हम अभी कोरबै आ फेर कनिक देर के बाद कोरबै तऽ किछु चेंज भऽ जाइ छै ओ चीज। थीम उहे रहतै मगर कनिक की हेतै अहाँके दोसर के देख से नहि बुझेतै, पर हमरे बुते किछु ने किछु चेंज भऽ जेतै। तऽ सब आर्टिस्ट के जेना ओहि दिन मिथिला दीदी बनेलखिन हुनकर किछु आर्ट के दोसर अथी छै, सुमन सर बनेलखिन हुनकर किछु आर्ट किछु ने किछु फर्क होइ छै। जे है फ्री हैंडवर्क में जेना कलर कॉम्बिनेशन के बात, अहाँ कलर कॉम्बिनेशन सेहो डिफरेंट छुटिया सकै छी, या अहाँ के जे हुनकर जे लाइनिंग होइ छै लाइनिंग से सेहो अहाँ छुटिया सकै छी अपने। तो आ बनाबे के तरीका होइ छै, जेना जे हुनकर नाक,
तेकर बाद में हुनकर आँख देव के तरीका होय छे, जेना आंगूर आंगूर सब देव के तरीका होय छे, कलर कॉम्बिनेशन के तरीका होय छे, ओय सबसे डिफरेंट छुटिया सकै छी अहाँ के, कियाकि सब आर्टिस्ट के अपन अपन जे पेंटिंग बनाबे के तरीका छे सबके फरक छे। केकरो संगे केकरो जुद नहीं सकिए, मिल नहीं सकिए अहाँ के। हाँ, एकटा जुद सकिए कि जेना जे टीचर के विद्यार्थी के होय छे, जेना हमरे विद्यार्थी सब छे, हम ही सिखेने छिए, चाहे हम सिखने छिए तो हुनकर हमरा किछ ने किछ मिलत रहते, कियाकि हुनकर जब भी हमर गुरु भेले तो किछ ने किछ अहाँ के मिलत रहे छे ओहि जगह पर। जेना कलर कॉम्बिनेशन मिलते, जेना हम ही कलर कॉम्बिनेशन सीखलहुँ लगभग अहाँ के अपने लाइनिंग आ कलर कॉम्बिनेशन हम 1.5 वर्ष तक ले सीखने छिए, तो अहाँ के की होय छे अहाँ के ओ चीज कतौ ने कतौ टकरा जाय छे, अहाँ के कलर कॉम्बिनेशन मिलत रहे छे ओहि जगह पर, फेर थीम नहीं मिल सकैया। जे चीज हम सोच सकै छी मिथिला आर्ट के, जे चीज हम आय प्रस्तुत केनो अइ द्वारा जे अभी ओ थीम लगभग अपने के बहुत ज्यादा सोचल थीम छे, जे हम जे जे काज केनी, जे हमर अनुभव अपन अछि, जे हमर एकटा जे सोचन शक्ति है हमर, जे हमर अपना किस्म के जे बहुत ज्यादा गहराई में जाकर हम पेंटिंग सब बनेने छी, थीम नहीं टकरा सकी अपने के। टकरा की सकैय तो जे लोकलिटी में चलि अबै छे, जेना जे राम सीता के स्वयंवर छे, तो स्वयंवर कोई बनल के हमर कोई नकलो करते तो किछ ने किछ फरक अहाँ के रहते, ई देखेते सुनेना ई कलर देने छे, मल्ला पेन्हने छे, उ देखेते पर किछ ने किछ ओ पर चेंज आबि जते बनाबू में, अहाँ के केहनो प्रयास करते तो हुनकर डिफरेंट आबि जाय छे अहाँ के, तो ऐसे अहाँ के छुटिया सेहो सकै छे। आ प्राय अहाँ के जे एग्जिबिशन अगोरे में जना हमी सब रखै छिए तो अहाँ के नाम अहाँ के रहबे करै छै, ओहि में नाम देना बहुत अनिवार्य छै अहाँ के पेंटिंग में। आइ के लगा कि हमर आर्टिस्ट सब जना जे गैलरी में देने से मैडम, बहुत आदमी नाम नहीं दै छै, बहुत बेर कहै छै उनका सबके, बहुत ज्यादा देखैत होता कते के लड़का से ऐसे जुड़ल हमरा फेसबुक से, कते के हस्बैंड सब छै, कते ओपनो छथिन, पर की होय छै कते बेर कहनो कि अहाँ सब नाम लिखल करू, ओहि में नाम लिखू, सबके नामो सिखा देने छियै, नाम कमती में नहीं तो दुइयो अक्षर लिखू अहाँ, पर नाम अहाँ के लिखऽ नहीं चाहत रहे छै ओ सब, बुझलियै ना, पर नाम लिखनाई जरूरी छै। आ हम सब जना एग्जिबिशन सब में लगेलहुँ तो एग्जिबिशन सब में लगेला के बाद में अहाँ के एकदम ध्यान में रहल कि हमरा नाम ओहि में लिखऽ के छै, पेंटिंग छे हमरा नाम लिखऽ के छे, डेट लिखऽ के छे, पर हमू सब कहियो काल में जना ऑर्डरे अबै छे ने फटाफट बनेउ ना द देलो केना भ गेल, तो ई सब रॉन्ग पॉइंट छे, बहुत गलत छे ई सब, तो ई छे अहाँ के पहचान के। अहाँ कहै छी कि हर एक पीस जे छे ओहि में कलाकार के अपन टच छे, तो आँखक परख चाही आ परख के अहाँ जे छे छुटिया सकै छी कि सुनैना जी के आर्ट छे, ये मिथिला दीदी के आर्ट छे, ये अजीत साहब के आर्ट छे, तो से नीक लागल कि एकटा वो एकटा मापदंड छे। तो दोसर क्वेश्चन धीरज जी अपने के क्वेश्चन सब आ लिए तो प्लीज आप पूछू। क्वेश्चन सब फेसबुक में भया तो फेसबुक हम नहीं चेक करने से कनिक टाइमो के हम लंग बेसी भए गेल छी रातो नेपालो में, तो हम एकटा क्वेश्चन पूछे ला चाहम सुनैना जी से, जस्ट जनरल क्वेश्चन से। हमनी के गांव घर में देखै से जो बियाह शादी बियाह सब में वो पेंटिंग सब कने रहै से, वो अथी में कथी कैसे हमनी के भीता में भीता चित्र में। हां जी 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 हां, तो वैसन का मतलब चित्र सब तो अपने में देख ले कुछ राम सीता वाला कृष्ण राधा वाला सब, लेकिन हमनी के गांव घर में बियाह में जन वाले बने वाला चित्र सब अपने के अथी में ना देख ली। अच्छा, हम बिसर गए करते करते छाई कि हमरा ओना तो गैलरी में सब हमर काम सब ओतो होय छे, पर आता हम घर से लाइव छियै, पर तइयो हमर किछ किछ कैनवास सब एनी ओनी जे हम रात में काज केलो वो चीज सब हम रखने रह छियै, तो हम किछ हम अपने के देखाब चाहै छी। जेना अपना सब के ओना तो कोबर ओमे छुट गेल नै, जेना देखियो ना डोली का हाथ सब छै ने। जी जी बहुत 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 नीक, बहुत नीक, डोली कार सब छकर बाद में अपने के गांव में जना जे बांस होय छै, तकर बाद में कोबर होय छै, जे अपना सबके ब्याह शादी में जे बने छै अहाँ के,
तेकर बाद में आके घर घर सब में सजावट के रूप में ब्याह शादी बनल तो ढोल पीपी वाला सीन सब बनल अपन जेहन मिथिला में झलके वाला चीज सब बनबे अहके ओहनो सीन सब अब ओहनो बना वाला बनबे पर कनिक हम कने के मैसेज तरफ विशेष ध्यान द देने छी अभी कि हमरा समाज में ना ये बहुत जल्दी हटाब के छे चेंज कर के छे हम आटे द्वारा हमार अभियान है कि कनिक हम परिवर्तन करी ते द्वारे कनिक हमार एहने मैसेजे टाइप के हमार पेंटिंग विशेष रहय जी जी बहुत बहुत ना निक से उ कनिक हम अथी वाला चाहम कि बेसिक के देख लिया अपने के मिथिला आर्ट्स में फोकस भेल अथी ड्राइंग पेंटिंग सब ते की का मतलब जैसे कि भोजपुरी के भेल चाहे थारू के भेल चाहे और अथी कहो ना और हाँ। समुदाय के पेंटिंग सब अपने कते के बनाई सी सब नहीं हम अभी मिथिला आर्ट मात्रे बनबे हम दोसर दोसर जना समुदाय के कहे यहाँ के जना थारू कल्चर सबके दोसर दोसर कल्चर के जोड़ के हम अभी नहीं बनेने छे हम खाली मिथिला जे मिथिला और जे नेपाल और देश विदेश के जे घटना कुघटना पर आधारित जे मिथिला में जे नारी पर जे हो रहा है घटना कोना का के चेंज होते कोना ये जे वो पितृ सोच सब से केना परिवर्तन होते ओहि पर आधारित विशेष कह के हम बनबे छी पर दोसर जे कल्चर के जे कहबे जना जे थारू सब के जे कल्चर छे ओहि में किछ किछ टिपकल ओना तो बहुते बात अपना सब से मिले छे पर बहुत बात नहीं मिले छे ओहि चीज में खास से फोकस कह के हम नहीं बनेलो कहियो नहीं बनेलो अभी जी जी नहीं बनेलो ठीक छी सुने ना जी बहुत धन्यवाद अपने की कुछ पेंटिंग कह के देखा हम की हमने के कुछ सिखला मौका मिला एकदम हम किछ बना कर देखा हमरा को मतलब अब सुने ना जी पता ना अपने के बोर्ड वो कथी फिक्स भेल से कि तनका सारे मिले तो हल्का तनका एने घुमा ले हम तो भेजा था ठीक से जी हल्का बहुत नीक जी ठीक से उतना तक जी जी बहुत बढ़िया जी 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 ठीक से उतना भेजा बहुत नीक हम कनिक ओहनो मिथिला आर्ट में अपने के बॉर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है बॉर्डर अहाँ के आर्ट के सुंदरता बढ़वे ते तो द्वारे हम कनिक बॉर्डर से शुरुआत कर और अमे ओहनो मिथिला पेंटिंग फ्री हैंड वर्क है और हम ओना तो बड़का बड़का कैनवास में हम सब स्केल लक बनबे पर अभी छोट छोट समय पेपर सब में ओहनो बना लेने तो अ द्वारे हम अभी फ्री में बनाए जे स्टार्ट कर से पहले आधा इंच हम सब छोड़ के जे बॉर्डर बनाए किया कि फ्रेमिंग कर टाइम में आधा इंच आ के होबा के चाहिए ते द्वारे आधा इंच छोड़ के आधा इंच अब हमरा लवी स्केल तो नहीं है पर हम अंजादे जे अंजाद भ गेले ते द्वारे हम आधा इंच छोड़ब तो हम आधा इंच पर हम पहले मार्क क ले और
और कभी भी जना जे हम सब डबल बोर्डरिंग क क लाइनिंग क क काज करै छी त एकरा हम डबल कर रहल छी एकरा लाइन करा बेर में कनी की होय छे कंफर्टेबल अत त नै भ रहल छे कियाकि ऑलरेडी एकरा फिक्स करे पड़े छे आके और प्लाई के साथ त और ये डबल लाइनिंग कला के बाद में यदि हम सब कते ल रहल छी बॉर्डर 1 इंच 2 इंच अपना अनुसार के फिगर केहन बन रहल छै ओय आधार पर हम सब बॉर्डर के जे इंच टैप के चौड़ाई लेब हम त हम ये कथी बनावा चाहब ओय अनुसार के त हम छोट छोट चीज से बना के देखायब जे कनिक जे बहुते जे बौआ बुच्ची सब सेहो देखी छथिन त तै दुआरे हुनका सबके सीख के सेहो मौका मिलतै अः ल हम अभी लड़ रहा कमती में 1.5 इंच 1.5 इंच बॉर्डर लड़ रहा 1.5 इंच सॉरी लाइन तान के दौरान में यदि कनिक टचो भागेल कुछ भागेल तो ओकरा छोड़ दियो इने क्याकि जब ये आ सच्ची आवे लगबे जब ये एकरा फेन दोहरा के कर लगबे तो उ चीज नहीं निक लागत रहे छे देखे में तै दुआरे जे यदि फ्री हैंड वर्क में जे जेहने बने छे मिथिला आर्ट के खासियत छे ओ है तै दुआरे के चलो अब हमार बॉर्डर अभी बॉर्डर के लाइनिंग तैयार है अब इनमें हम बॉर्डर कोहन बनाए शेप आधारित है तो हम ये बना रहल छी जेना कात में से तो कात में हम एक फ्लावर द रहल छी और अतः से हम एकरा बॉर्डर में अपने के किछ है कि जत्ते नीक बनेबे ओत्ते बढ़िया लागत रहे छे
अब एहिमे हम एहिमे माछ बना दै छी। अब ए लाइनिंग के बाद में एहि लाइनिंगे में जोड़ि कऽ माछ बना रहल छी। हम एकरा माछ के सेफ दे कनेक डेकोरेट कर देवे। इन्हें कह के अहाँ के एना कह के सेहो बॉर्डर में माछ बना कऽ आ खास कऽ के मिथिला हाट में विशेष कऽ के माछ बनबे करै छै। माछ अहाँ के नीक मानल गेल छै अपने के। बड़ी सुंदर लगित रहे छे बॉर्डर पूरा बनला के बाद में नीक से कनिक टाइम दे कर सुंदर से लाइनिंग से मिला के यदि बनबे छे तो एकरा जते बढ़िया से माछ के सिंगारबे ओते नीक लागत रहे छे अहाँके। माछ बहुत रंग के बने छे। एहने कह के अहाँके दऽ सकै छी चारू घर राउंड कऽ के पूरा मे ओना बॉर्डर के तऽ अंत नहि छै। बॉर्डर अपना अपना किस्म के फ्लावर वाला दऽ सकै छी, माछ वाला दऽ सकै छी, मयूर वाला दऽ सकै छी, आदमी वाला दऽ सकै छी। बहुत डिजाइन के बनै छै अहाँके। Thank you.
आब एकरा जे छै तो एहिमे एहने कऽ कऽ पूरा नहि दऽ सकै छी। आब हम एकरा जे कचनी करऽ के छै तऽ एहि व्यू से हम कऽ सकै छी एकरा कचनी। कचनी करऽ के तरीका सेहो अहाँके फर्क रहै छै जे कोन दिस माछ घूमल छै ताहि दिस से अहाँके करऽ पड़ै छै, तऽ ओहि लऽ कऽ कनि सेहो ध्यानमे राखऽ पड़ै छै एकरा। एना कऽ कऽ अहाँके कनिक मिला मिला कऽ एकरा देबऽ पड़तै। या नहीं तो कचनी नहीं रहल तो दुनू पेट में माछ के पेट में कलरो भर देना तो ओहो से सुंदर लगे रहे थे। कुछ लोग कैसे रहे तैयो हेतै ई साइड के छै एकरा एहने कऽ कऽ अहाँके अभी तऽ ब्लैक से छै ताहि दुआरे सब लाइनिंग कऽ देलहुँ। ओना लाइनिंग कलर दुनू मिला कऽ अहाँके होइ छै ई सब। तकर बादमे एहने कऽ के पूरा बनल आओर लास्टमे अपनेके कनिक आओर एकरा सुन्दर बनाबऽके लागि बॉर्डरके डबल डबल लाइनिंग देला से सुंदर लगैत रहै छै, सिंगल लाइनिंग से ओते बढ़िया नहीं लगैत रहै छै, ताहि दुआरे डबल लाइनिंग देनाइ जरूरी है रहै छै सब। एकरा नहीं होई तेना कऽ कऽ एकरा भरि देलहुँ आओर बढ़िया भऽ गेल। Thank you.
सुनैना जी, यहाँ से क्वेश्चन ये कि बॉर्डर में हमेशा माछ, फूल, पत्ता यह सब रहे छे, एमे बॉर्डर में कोनो अहाँ के ओय में कहानी नहीं रही छे कि ओहू से अहाँ कोनो मैसेज देबे चाहबे बॉर्डरो से? नहीं नहीं, बॉर्डर बने छे मैडम, जेना जे बॉर्डर बने छे अभी बिहार के जेना बने छे, बिहार के हमसब पूरा विध अहाँ के बॉर्डर में सेहो द सकै छी। जेना बनेलहुँ तऽ केना कऽ कऽ हम अपने के देखा दै छी। जेना ई बॉर्डर हमसब हाफ इंच छोड़ कला के बाद में 1 इंच लेलहुँ, बीच के बॉर्डर निकाललहुँ एकटा बड़का, आ एहि बड़का में जे बिहार के पूरा विध अहाँ के बॉर्डरे में पूरा में द देलहुँ। आ मेन बिहार के थीम की छे तऽ ओ चीज फोकस केलो, एहनो कऽ कऽ बियाहो के अथी द कऽ तकर बाद में आओर हमसब बॉर्डर में मैसेजो द सकै छी, जेहन बॉर्डर जे चीज अहाँ बना सकै छी बॉर्डर में आबि जाइ छै। पर की छै अहाँके जे बीच के थीम अहाँके मेन मेन थीम रहबे करै छै, तऽ बॉर्डर यदि हम द रहल छी जे मेन थीम बना कऽ मेन सब्जेक्ट बना कऽ, तऽ बीच के थीम की होइ छै हल्का पड़ि जाइ छै। ताहि दुआरे कि बॉर्डर हल्का दऽ कऽ आ बीच में थीम कनिक सब्जेक्ट जे मेन होइ छै से चीज देल जाइ छै अहाँके, ओ चीज सेहो होइ छै। अपने के जेना ई बॉर्डर हम एते देखा देलहुँ, एहिमे की छै अब एहने कऽ के पूरा में बनतै, और एहिके साथ साथ क्या कि हम पूरा टाइम ओना लागि जाय, ओहि दुआरे हम दोसर दोसर चीज सेहो देखाबय चाहै छी। एहने कऽ के अपने के बहुत रास एहन बॉर्डर छै, जेना जे हम यदि लेबऽ चाहब तऽ हम ई लऽ सकै छी, और बॉर्डर लऽ सकै छी एकदम सिंपल जे एहि द्वारा एंटा पेज द्वारा जे देख रहल छथिन जे हमर नया बॉर्डर में अभी ई बहुत बढ़िया अहाँके अभी नीक अभी छै, नीक कहऽ पड़तै एहि बॉर्डर के। जेना हम अभी ई बॉर्डर में सेहो अहाँके जेहन अहाँ अथी करू के ई अहाँके बहुत अहाँके चलल चलते में अभी छै बॉर्डर, एना कऽ कऽ हम डिजाइन द कऽ। आर्टिस्ट के की होइ छै जब जे कोनो थीम जे लै छै पेंटिंग के, तऽ ओहि थीमे से जुड़ल अहाँके बॉर्डर ऑटोमेटिक अबैत रहै छै दिमाग में कि हम कोन चीज देबै तऽ अहाँके नीक लगतै, अहाँके से बात भऽ जाइ छै मेन ओहो छै अहाँके। तेना कऽ के हम एगो ई डिजाइन के बॉर्डर सेहो अहाँके दऽ सकै छियै, एना कऽ कऽ अहाँके, और एहिमे हम यदि एहिके आओर भैरगर बनाबऽ चाहब तऽ ई चीज जेना एहिके कनिक आओर नीक से भैरगर बॉर्डर बनाबऽ चाहब एना कऽ के भरि सकै छी सेहो। और एकटा ई सीन भऽ गेल, आ एहिमे अहाँके डबल दऽ कऽ एगो इहो बॉर्डर बना सकै छी अहाँके, इहो आबि गेलै, एगो इहो आबि जेतै अहाँके बॉर्डर में। दोसर अहाँके एगो एहिमे अबै छै एहनो कऽ कऽ, जेना जे हम एना दऽ देलहुँ आ एगो लाइनिंग कऽ कऽ सेहो हमसब डायरेक्टे एना कऽ के घीच के सेहो बनबै छी। मतलब एके डिजाइन से 4-5 गो बॉर्डर निकालि सकै छी सेहो होइ छै, जेना इहे घीच लिए तऽ एहिमे कमल के फूल दऽ कऽ सेहो बना सकै छलिए, माछ दऽ कऽ सेहो बना सकै छलिए, चिड़िया दऽ कऽ सेहो बना सकै छियै, कोनो छोट फ्लावर दऽ कऽ सेहो, मतलब एहि एगो बॉर्डर छै कतौ बॉर्डर निकालि सकै छी अहाँके, से भऽ जाइ छै अपनेके। तकर बाद में अपनेके एकटा आओर हम देखा, जेना जे ई भेलै, और एहिमे एहिमे छै तऽ एहिमे डबल दऽ कऽ
कोनो चीज वर्जित छे सुने ना कोनो चीज मिथिला आर्ट माने पेंटिंग में वर्जित छे कि अहां ओ नै बना सकै छी यू शुड नॉट डू इट कोनो चीज एहन एकदम नै करक चाही नै एहि में की छे एकटा बात छे जेना जे हमरे सबला आदमी के जेना जेना फाइन आर्ट बने छे फाइन आर्ट हुबहु भेले और मिथिला आर्ट मात्रे आकृति दे छे हम सब हुबहु मात्रे ने बना सके छे नै त एहन कोनो चीज नै छे कि हम सब नै बना सके छे आकृति सब चीज के द सके छे हम सब हाँ ये फाइन आर्ट के तरह नै द सके छे हम सब किया कि बहुत साथी सब आयत के हमर बलो से पिक्चर बना दिया कहि क त हम कहनो बना देब पर मिथिला आर्ट के आकृति मात्रे झलकाब हुबहु बनाब त हम त फाइन आर्टिस्ट भ गेलो तै के ल क हम सब आकृति कोनो चीज के द सके छिए से छे एकटा ई डिजाइन अपने के छे जे इहो डिजाइन आ के बहुत हमर पॉपुलर नी के चले छे आ के जे हम इहो बॉर्डर आ के द क बना सके छिए जे बहुत नीक छे आ के हमरा नीको लगित रहे ई डिजाइन बनाब में अपने के जेना अहम बनबैत रहू हम क्वेश्चन पूछैत रहब त अहां जवाब देत रहब समय के दिक्कत छे दोसर सॉरी इंटरप्शन भेल जी उनकरा फिनिश कर दियो हमने के टाइम लगभग लगभग समाप्त जा रहल छी त उनकर फिनिश कर दियो ओकरा बाद में हमने के प्रोग्राम के अंत ओर आ गेल छी कहल जाओ ना पूछल जाओ हम एहना में देत रह की नेक्स्ट की बना रहल छी सुनैना जी ई अपने के हम सब बॉर्डर के डिजाइन देखेलो हुआ जे ई सब हम से ई द का बॉर्डर हम बना सके छी ई द का बना सके छी ई द का बना सके छी किया के ऐसे एंटा से अभी जुड़ल बच्चों सब देख रहल छथिन तै दुआरे हम बच्चा के आइडिया के लागे मात्रे हम ई बॉर्डर देखा देलो हुआ कि एना एना बॉर्डर हम सब द सके छी से कह क तकर बाद में हम अभी बनाएब मछली और चिड़िया बनाएब तकर बाद हम गणपति एगो देखाएब जे बड़ा हमरा अथी निक लगे है ओहो चीज गणपति हो हम आई में एक माछ देखाब चाहब जे हमरा सबके 2 घंटा 10 मिनट सुनैना जी भ गेलिए त नेक्स्ट 5-6 मिनट के कार्यक्रम बच रहल ये त हमरा सबके कोनो एक चीज एक से दू चीज से बेसी नहीं कह सके छी चूंकि अच्छा समय के पाबंदी है ई माछ है ई माछ कनेक हम एकटा बात कहिए दै छी जखन अहाँ माछ भरैत रहू तऽ हम एकटा बात पूछै छी आ जेना कि विकिपीडिया में जखन मधुबनी आर्ट जे कि मिथिलांचल के भारत के हिस्सा में छे आर जे मिथिला आर्ट अपन नेपाल साइड में ये ओय में जाति के आधारों पर कला के विभिन्नता के विषय में बात कैल गेल छे कि यू नो डिफरेंट कास्ट के लोग अलग ढंग से बनबै छथिन एंटा कोनो कास्ट विशेष के संस्था नहीं छे लेकिन तखनो हम उत्सुक छी कि आई जे बना रहल छी अहां सब जेहन आर्टिस्ट ओ कोनो कोनो पर्टिकुलर कोनो के माने कोनो चीज से प्रभावित भ क कि सब तरह के आर्ट बन रहल ये आई में हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन केलो मैडम ई मिथिला आर्ट जे छे त कोनो जाति पर नै छे सीमित किया कि कोनो ने कोनो रूप से ई अगाड़ियो से जे हम देखेने छलिए जे चित्र जे भीते चित्र हम देखेने छलो हा ई कोनो ओय में तोई क या कास्ते होए या झाए होए या मतलब यादव या कोनो थरी के जात होए इहे बनेता से नै छे जरूरी अय में की छे आगे कनिक विध व्यवहार ब्याह के शादी के विध व्यवहार ओहिने होइ छै कोबर चाहे बांस होइ चाहे अपने के मला फेर के सीन होइ या कोनो पावन तिहार के होइ त ई अहाँ के एक के गो जात बनेतै चाहे हुनकरे ई चीज छै सेहो नै छै
एहिमे हम की देखलिए हुनका सबसे ज्यादा इंडिया के बात कैल जाए तो एगो पासवान जे आर्ट बनबै छै ओ आर्ट जे हमहू सब ने बना सकै छियै तो एहि आर्ट कला और गला कहै छै कोनो जाति तक लए सीमित नहि छै कोनो जाति करते से नहि छै ई अहाँ के कतौ कोनो देश के ठाउँ के या कोनो जात भी कर सकैए रहि गेलै अपन रहन सहन एकटा व्यवहारिक ज्ञान जे कहबै तऽ ई मिथिला आर्ट जब हमसब मिथिला के छी तऽ एहिमे सबके सब जोड़ल छै जेना जे ब्याह शादी के बात अपने करबै तो ओहोमे की छै अहाँके डोली कहार के हम केलहुँ तऽ डोली कहारमे जेना जे पहिने छलैए तऽ पहिने महफा छलैए तऽ सबके लागै छलै धनी गरीब तकर बादमे अहाँके जे अमीर छलै पैसा वाला छलै सेहो आ नहि छलै सेहो हुनको सबके सबके लागि एके रंगके छलैए ताहि दुआरे हम ई कहऽ चाहब कि अहाँके एहिमे जातिगत पर नहि छै अहाँके ई अहाँके कला गला अहाँके सबके लेल बराबर छै अहाँके सब अहाँके कऽ सकैए ई हम गणपति बना रहल छी और एकटा आर क्वेश्चन पूछब लेकिन अपन आर्ट नहि बंद करब करैत रहू सुनेना जी अपना के नहीं नहीं दीदी उनका रा कंप्लीट करे दियो दी अब टाइम एकदम नहीं से हमने लग उनका रा कंप्लीट सुनेना जी अपने करू ओके बाद लास्ट हम अपने से एकटा आर विचार लेब सच में ठीक है हम हमरा कह जाओ ना हम सुनै छी बनबै छी तब इंडिया के मधुबनी पेंटिंग से अपना के कोना डिफरेंशिएट करे छे कि कोनो कोनो अंतर नहीं मेन की छै ना हम एगो ई कह चाहब कि पहिला मधुबनी के मिथिला पहिला मिथिला बाद में मधुबनी एले सब पहले मिथिले छलैए इंडिया नेपाल कथू नहीं छलै पहले सिमाना या ई तो बाद में आके ई चीज भेलै पर एकर शुरुआत कतय से भेलै के केलै एकर शुरुआत तकर बाद में जहिया ई जेना हमरा जानकार अनुसार हमरा बुझल अनुसार हम कनिक एहि सम्बन्धी अध्ययन केली ओहि अनुसार जे राजा के पाला जनक के पाला से जहिया सीता माता के शादी भेलै ओहि टाइम से अहाँके पूरा नगरी मिथिला आर्ट से सजायल गेल रहै आ ओना तऽ मनुष्य के जो उत्पत्ति भेलै ओहि टाइम से अपन दाई माई सब अपना वाल में घर में सजावट के रूप में तो बनबते करता पर की छै एहिमे हम ई की देखलिए जब जे जनकपुर से शुरू भेलै राजा जनक केलकै ओहि टाइम में इंडिया में नहीं रहे और इंडिया नेपाल कह के रहबो नहीं करे सब मिथिला राज्य रहे अहाँके ते टाइम में तो एकरा एनी आकर ई तराई में भेला के कारण से अहाँके की भेलै कि यदि पहाड़ में रहते ऑलरेडी अहाँके विश्व की मधुबनी आर्ट जो अभी प्रख्यात छे मधुबनी पेंटिंग कह के मिथिला आर्ट कह के प्रख्यात रहते ई तराई में ओ में जनकपुर छे यानी मधेस क्षेत्र में ओ लग कनिक पछाड़ी भ गेलै अइ पर ओते नहीं ध्यान देला के कारण से तो एकरा की भेलै बाद में जाकर अहाँके जब जे एनी आकर लगभग एक टाइम में अहाँके विदेशी अतः के अतः के संबंध अहाँके सबके तो बुझले बेटी रोटी के संबंध छै अतः के बेटी ओतः के बेटी अतः तो ओहि दुआरे हमरे अतः के बेटी शादी कऽ कऽ गेल और चाहे ओथी के अलै तो ओ की छै अहाँके ओहिमे जब जे अतः के बेटी ओतः गेलै तो ओतः के गुण संस्कार अतः एतै अतः के ओतः गेलै तो अतः के गुण संस्कार ओतः जेतै तो ओतः स्वतः अपन घर के सजावट के रूप में बनेबे करता देवाल सब में रहे बनायल एक टाइम में एहन भेलै अहाँके जै टाइम में विदेशी अलै जै टाइम में अहाँके एकदम जर्जर भुखमरी टाइप के रहे ओहि टाइम विदेशी देखलकै देवाल में आब ओहि टाइम से अहाँके ओ सब कागज में उतरवा कऽ अहाँके ओहि पेंटिंग के देखलकै तऽ लऽ गेलै बढ़िया भेलै बनिया भेलै तो वही से अहाँके की कलकै विदेशी सब प्रोजेक्ट द के गवर्नमेंट ओहि के अगाड़ी बढ़ा कऽ कलाकार के अहाँके एते सपोर्ट कलकै कि आई ओकरा विश्व तक ला ओहि के नाम से विशेष प्रख्यात छै पर
जौ मिथिला आर्ट कनिक ओहिसे पछाड़िए छे अभी, कियाकि अइ जगह पर भेला के कारण से, पर एकर जड़ी तो देखल जेते। आब ई मधुबनी आ मिथिला में कथी फरक से, हमरा नहीं लगे किछ फरक से, लाइनिंग कलर के मात्रे फरक से अभी, कियाकि ओहू में कृष्ण राधा बने छे, राम सीता बने छे। हमर मिथिला के संस्कार दू रंग के नहीं छे, एक रंग के संस्कार छे। खाली कनिक ओकरा जेना एकटा साड़ी में जे ओहि साड़ी के जत्ते बुट्टा निक से बनेबै तो ऊ सुंदर लगते, तेना कह के कनिक शिक्षित शिक्षित आदमी सब जे कनिक पढ़ल लिखल आदमी सब ओहि में लगला के कारण से ओकरा सिंगार दिलके, कनिके सजा दिलके, तै दुआरे ओकरा लाइनिंग के काम तनिका विशेष दिलके, तै दुआरे ओकरा ओहि गाँव से शुरू भेलै तो गाँव के नाम से मधुबनी पेंटिंग राखि दिलके। पर आखिर में है तो मिथिला पेंटिंग ओहो, अठाम से वह राम सीता के स्टोरी छे, कृष्ण राधा के छे, आके वह आंगन घर के छे, चूली चौका वह सब बने छे, तो फरक वह छे, आके ठाव दू भ गेले, गांव से शुरू भ गेले। आखिर में कतौ से शुरू होते, काला काला कोई गेले आई अमेरिका में जाकर कोई व्यक्ति आके शुरू करते तो कतौ तो नाम देते न, फलाना जगह से शुरू भेले छे, तना नाम से दलके तै के लक ओकरा मधुबनी पेंटिंग से प्रख्यात भ गेले, गवर्नमेंट साथ दलके। पर आहा के हमरा ई लगैय ओहिठाम के आहा अठाम के पेंटिंग में कनिक अभी अभी हरेक में देखियो, आहा के नारी विकास देखियो ओहो में आके लाइनिंग के काम शुरू भ गेल छे, हरेक आर्टिस्ट के देखियो लाइनिंग के काम शुरू छे। कोई जे कहता कि हम लाइनिंग के काम नहीं करे छिए असंभव छे आहा के, कियाकि सबके पेंटिंग में अपने निहार के देखबे सबके पेंटिंग में लाइनिंग के काम शुरू भ गेल छे, आ कलर कॉम्बिनेशन आहा के मिल रहल छे, अइ के ल के सुंदर लगे छे, सुंदर लगल छे, सेलिंग होइ छे आहा के। तो कोनो संघ संस्था आ गवर्नमेंट कतौ नहि छे खोलले, आ नारियो विकास छे कोनो संस्था दर्ता करा के ओ अपन चला रहल छथिन, जेना हम आर्ट गैलरी दर्ता करा के चला रहल छे, सब व्यक्ति विशेष पर दर्ता करा के चला रहल छे, कोनो गवर्नमेंट के संस्था नहि छे आहा के। तो जे एहिमे लागल छे बनिया कर रहल छे ओकर ठीके छे, बनिया भ रहल छे आहा के, तेना कह के हमरा नहीं लगे मैडम कि किछ डिफरेंट छे, चाहे जाति के बात से होय, चाहे आहा के मधुबनी पेंटिंग से होय, मिथिला पेंटिंग से होय, हमरा ई लगैय सब कलाकार के अपन कलाकारिता छे, जते निखार के बनेयो जते सुंदर बनेयो आहा के तत्ते आहा के बनिया छे, पर मिथिला पेंटिंग त मिथिला पेंटिंग छे, जगह के नाम से मात्र पर किया छे। हाँ हम ही गणेश बना रहा छी, कनी के जल्दी जल्दी के हमरा बड़ा मन छला कि आई हम किछ किछ अपने सबके देखाए, पर गणपति के हम सब ओहिनो संसार में सबसे पहिल पूजा और इनका देल जाए थे। गणेश अपने के तीन चार तरीका से बनबे छी, एकटा ई वाला बैठल वाला सीन है और बात प्लस में और
ओना एकटा हाथ अत निकालो देखिए चादर चाहिए काम नहीं छे तो कनी एक डेकोरेट कर किन को प्रश्न छे तो पूछ पूछ सके छथिन हमरा हम तो काम करे छे तो एगो आ जेते नहीं सुने ना जी कनिक हमने के टाइम के लिमिटेशन से तो हमने के हाँ वही दुआरे हम कने जल्दी है कही रहा छे जी जी सुनैना जी पे फोकस नहीं छे कैमरा के सुनैना जी बाजित रहबे तो अपने पे फोकस रहत नहीं तो धीरज जी पे फोकस छे अब गणेश जी आप ये ठामा बना देनो लगभग लगभग आके मिथिला हाट में गणेशो जी बहुत ज्यादा जना माछ मयूर बने छे जना क क अपने के और ये अपने के बैसल गणेश जी छे और ये बनल छे ओना अत हुनकर माला के बने छे ओना बैस एठाओ स्पेस होवेला के कारण से पर बैसल वाला छे अपने वेने क क अपने के हम एक ता ओ देखबै छी चिड़िया देखबै छी सुनैना जी सॉरी हम अपने के इंटरप्ट कैनो हमने के टाइम के तनका पाबंदी भेला के चलते फेर हमने के ड्राइंग अपने के नेक्स्ट टाइम देखम बाकी ड्राइंग सब त आज अपने के ई दुटा ड्राइंग बहुत बढ़िया छे अभी तक के कहू ना हम तो तनिक जस्ट स्केचिंग मात्र करे अपने के ड्राइंग देख के लेकिन लेकिन फिर भी सुनैना जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद अपने टाइम निकालनो हमने के जानकारी देनो मिथिला पेंटिंग के और ये अपने के बहुत बढ़िया बात लागल अपने नेशनल फाइन आवर्स विनर से बहुत बहुत बधाई से ओकरा लेल अपने के एग्जीबिशन सब देखे के मिले है अतः हमने के अपराजिता दीदी अपने आज के प्रोग्राम के कंक्लूड कर दो लेकिन हमरा और इसे और एंटा और इसे सुनैना जी के बहुत बहुत धन्यवाद जी अपराजिता थैंक यू सो मच अपने और अर्पिता दी लगाए एंटा के संपूर्ण फैमिली के और ऐसे जुड़ल जत्ते कोई छथिन हुनका सबके और जत्ते ए माध्यम से देख रहल छथिन हुनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद और हमरा लगैया कि और ऐसे और बढ़िया अवसर मिले और बहुत ज्यादा
हमरा आर्टिस्ट के लेल जे अपने सब कह रहल छी और बहुते करू जे हम सब और नीक काज करी। जी हमर सबके 2.5 घंटा पूरा वाला या 2 मिनट बचल ये तो सुनैना जी हृदय से बहुत बहुत आभार। आभार कहला से सिर्फ शाब्दिक आभार नहीं, ऐ में हम सच में अहाँ के समय के बहुत बहुत कद्र करी छी। ऐ में बहुत अहाँ रात के 12:30 तक बैस कर ई सब केनाय इज नॉट एन ऑर्डिनरी वर्क। आ सेहो अहाँ नेशनल अवार्ड फाइन आर्ट अवार्ड विनर आर्टिस्ट के बैस कर हमर सबके कम्युनिटी के बच्चा के लेल जे छथिन पुरुष महिला सबके लेल अहाँ देलिए और अहाँ पर्सपेक्टिव महिला के जे छले सेहो हमरा सबके बतेलिए। बहुत चीज अहाँ से पूछलहुँ हैं जे कि आप आर्काइवल हिस्ट्री बन जेते यहाँ के एंटा के यूट्यूब हमेशा से अगर एंटा के यूट्यूब खोल के देखे छी तो हमर सबके आज तक के सब प्रोग्राम लिस्टेड ये। तो सुनैना जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के समय के लेल अहाँ के परिश्रमक लेल और एक महिला होत एंटा प्रेसिडेंट हम महिला के सक्सेस के कामना करी छी। आगामी समय में देश विदेश में अहाँ खूब नाम कमाओ और अहाँ के उत्कृष्ट आर्ट देखा में देखा के अपॉर्चुनिटी भेटत जल्दी एंटा एक घोषणा कर रहा लिए से अहाँ तक पहुँचत आ वैसे पर हम सब काज कर रहा छी। ई कहत सुनैना जी पुनः अहाँ के परिवार के अहाँ के पतिदेव के जे के पाछू से कंप्यूटर ऑपरेट कलत अहाँ के बच्चा सब के लिए रात में जाकर केनाए बहुत 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 धन्यवाद कृतज्ञता अपन प्रेषित करे छी। समस्त एग्जीक्यूटिव कमिटी की तरफ से अहाँ के बहुत धन्यवाद सुनहरा भविष्य की कामना करे सबके नमस्कार प्रणाम। नमस्ते।